हे गाइस, अगेन सभी का वेलकम है एसीसी चंडीगढ़ के स्टूडेंट्स का। आज अपना बूस्टर नंबर 33 है। अपने क्या करने वाले हैं 33 नंबर बूस्टर में? देखो, आज अपने करेंगे फुल पेपर। अब देखो, आपका एग्ज़ाम जो है वो नज़दीक है ना। कैसे पूरा पेपर आपको इंग्लिश का सेक्शन सॉल्व करना है, ये मैं आपको इन सेशंस में सिखाऊंगा। अब से लेकर के आपके एग्ज़ाम तक हमेशा फुल पेपर ही आपको मिला करेगा। अब एक चीज़ का आप ध्यान रखें, ये पेपर मुझे पूरा करने में 30 क्वेश्चंस को एटलीस्ट 1.5 घंटा चाहिए। 5 मिनट मैं एक क्वेश्चन पे दूँ, 4 मिनट दूँ, 3 मिनट दूँ, तो उससे मुझे 1.5 घंटा तो कम से कम चाहिए होगा, है ना। उसके लिए क्या करेंगे, इस पूरे पेपर को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। पहले पार्ट के अंदर मैं आधा पेपर सॉल्व करूंगा, नेक्स्ट डे में नेक्स्ट पार्ट में आपको पूरा पेपर मिल जाएगा। तो इस हिसाब से आपको अगर हो सका तो एक ही पार्ट में कर लेंगे, अगर ज़्यादा लंबी वीडियो हुई 2 घंटे की हुई तो घंटे घंटे की 2 वीडियोज़ में इसको डिवाइड कर देंगे। शुरू करें। इस पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, ये प्रीवियस ईयर पेपर्स में से एक पेपर है। इस लिंक से आप जाकर के इसको डाउनलोड करें, ठीक है ना। इसमें आप देख लेना छोटा और बड़ा लेटर, जैसा बड़ा है वैसा बड़ा रखना, जैसा छोटा है वैसा छोटा रखना। गूगल में इसको हूबहू पेस्ट करोगे तो ये पेपर आपके सामने आ जाएगा। दीपक जी को भी ये पेपर दे रहा हूँ, हो सकता है वही आपको ये पेपर जो है आप जो है अवेलेबल करवा दें। शुरू करें, चलो ध्यान से देखना, मज़ा आएगा। देखो, सबसे पहला काम क्या करना है, इंग्लिश के सेक्शन में सारे क्वेश्चन से गो थ्रू होना है आधे मिनट के अंदर, आधे या 1 मिनट के अंदर। सिर्फ इसका एक ही मकसद है, आपको कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन पढ़ा है ये मालूम चल जाए, है ना, ताकि आप डिसाइड कर पाओ कौन सा पहले करना है, कौन सा आपका जो है स्ट्रेंथ है और कौन सी वीकनेस है। तो पहला क्वेश्चन जो है मेरे पास वो देखते हैं ऐसा आया, मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 है ना, ऐसे जो क्वेश्चन आए हैं 1 2 3 4 5, और मुझसे पूछा गया कि कौन सा कहाँ पे पढ़ा है, यानी पैरा जंबल का क्वेश्चन है और मुझे इसको बिना ऑप्शंस के सॉल्व करना है। तो ये मेरा क्वेश्चन है। अब एक्चुअल में तो इस पेपर के अंदर इनमें से 4 ही थे, है ना, जैसे उसमें 6th पूछा था, 3rd पूछा था, 5th पूछा था या 1st पूछा था, तो मैंने 2 ऐड कर दिए खुद ही, क्योंकि जब आप इस सेट को सॉल्व करोगे ना तो पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा आपको। अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया तो 6 के 6 की पोजीशन आपको पता लग जाएगी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड के अंदर अपने पास आरसी के क्वेश्चंस हैं, 6, 7, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, है ना, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर। अब आप देखोगे आरसी के ऊपर 10 क्वेश्चंस हैं, आरसी एक ही है, लेकिन इट इज़ अ मेगा आरसी। अब ये क्या होता है, बहुत ही बड़ा आरसी, इतना बड़ा कि आप पढ़ते पढ़ते आपका दिमाग जो है ना पजल हो जाए, लेकिन मैं आपको प्यार से पढ़ाऊंगा कैसे पढ़ना है ये हम देखेंगे। अब मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कितना बड़ा आरसी है, ध्यान से देखते जाओ। ये पहला पैराग्राफ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छवां, सातवां, आठवां, नौवां, नौ, समझ गए ना, 9 पैराग्राफ का आरसी है और पूरा का पूरा बेस्ड है इकोनॉमी पे। तो बैंकिंग में ऐसे ही पेपर आते हैं, ऐसे ही आरसी आते हैं। तो दूसरा हमारे पास 10 क्वेश्चन का आरसी है, आपने देख लिया, आगे बढ़ जाओ। इसके बाद है 16 नंबर, ये लग रहा है बेस्ड है एरर्स पे, एरर फाइंड आउट करनी है। 16 नंबर भी ऐसा ही, 17 नंबर भी ऐसा ही, 18 भी ऐसा ही, 19 भी ऐसा ही और नंबर 20 भी ऐसा ही। 16 से 20 एरर के क्वेश्चंस हैं, इनको आप पहले भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका एरर वाला पोर्शन अच्छा है तो। अब उसके बाद 21वें के अंदर आपको डबल फिलर दिए हुए हैं, दोनों में एक एक जो है ब्लैंक में आपको कुछ भरना है, 22nd, 23rd, 24th और 25th, पांचों में आपको डबल फिलर से क्वेश्चन मिले हैं। ये सबसे ईजी होते हैं, आप इनको पहले ट्राई कर सकते हैं। लास्ट में क्या बचा, ये आ गया आपका क्लोज टेस्ट, 26, 27, 28, 29 और 30 नंबर, समझ गए ना। लास्ट में क्लोज टेस्ट, शुरू में सेंटेंस अरेंजमेंट, बीच में आरसी और एरर के और साथ में फिलर्स के क्वेश्चंस। मेरा जो बेसिक जो रहता है ना अप्रोच, मैं सबसे पहले करता हूँ ग्रामर, ठीक है ना, और साथ में करता हूँ ये फिलर्स आते हैं ना ये इस तरह के, फिर मैं सारा टाइम देता हूँ आरसी को, क्योंकि आरसी पे 10 क्वेश्चन है, 1/3 आपका पेपर तो आरसी पे बेस्ड था, है ना। अगर आरसी पे 1/3 बेस्ड है तो आरसी पे मुझे ध्यान देना है। लास्ट में बचे कुछ ये सेंटेंस अरेंजमेंट के और क्लोज टेस्ट से क्वेश्चंस करता हूँ। हालांकि मेरी अप्रोच तो ऐसी है, मैं पूरा 100% पेपर ही अप्रोच करूँगा, कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आऊँगा, पर आप देख सकते हैं अपने हिसाब से आपको कैसे करना है। मैं शुरू से लगने वाला हूँ, आप चाहें तो पहले फिलर से शुरू करें, चाहे आप एरर से शुरू करें, अपने वैसे शुरू से ही शुरू करने वाले हैं ताकि आपको सही तरीके से हर क्वेश्चन को अप्रोच करना मैं सिखाऊँ। तो ये बिगनिंग में आ गए अपने, शुरू से शुरू करने वाले हैं। ये अपना PQRS का क्वेश्चन था अरेंजमेंट वाला। सब लोग पहले ठंडा दिमाग लगा के देखो, यही क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ना, मेमोरी बेस्ड पेपर है, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में फेस करना है। सब लोग ठंडे दिमाग से पहले सारे सेंटेंसेस को पढ़ें और जो मैंने अभी तक आपको सिखाया है
फर्स्ट सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है ना, बताया ना आपको, सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना होता है, प्रोनाउन वाला सेंटेंस पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। उन सारे रूल्स को लगा करके मुझे बताओ इनमें से कौन सा सेंटेंस तुम्हारा पहला सेंटेंस है। मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप यहां पे वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से करेंगे। अब मैं आपको करके दिखा रहा हूं जो मैं करने वाला था पेपर के अंदर। टेक फॉर एग्जाम्पल द मार्केट फॉर लर्निंग डांसिंग, कह रहा है एग्जाम्पल के लिए ही ले लो, उदाहरण के लिए ले लो जो बाजार है डांस को लर्न करने का, नाचना सीखने का। अगर आपसे कोई ऐसा कह रहा है ना उदाहरण के लिए ये ले लो, तो पहले आपसे कोई वो बात कहेगा फिर बोलेगा फॉर एग्जाम्पल, समझ गए मेरी बात को, पहले कोई बात की जाती है और फिर लिखा जाता है टेक फॉर एग्जाम्पल या फॉर एग्जाम्पल या फॉर इंस्टेंस, है ना। तो बात जब तक नहीं होगी तब तक ये हमारा पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। चलो आगे देखो, दिस कुड नेवर हैपन इफ देयर वॉज अ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डांसिंग एजुकेशन विच एनफोर्स सिक्स स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ वट विल बी टॉट एंड हाउ सच थिंग्स आर टू बी टॉट, कह रहे ये कभी भी नहीं हो पाता। दिस कुड नेवर हैपन, अगर एक सेंट्रल बोर्ड होता हमारे पास डांस की एजुकेशन का जो कि लगातार बहुत ही कड़े स्टैंडर्ड्स को और किस चीज़ के कि क्या पढ़ाया जाएगा और कैसे किस चीज़ को पढ़ाया जाएगा। देखो ये सेंटेंस बहुत अच्छा सेंटेंस है लेकिन पहला सेंटेंस नहीं बन सकता क्योंकि दिस जो कि एक प्रोनाउन, सिंपल रूल्स हैं अपने पास, अगर प्रोनाउन सेंटेंस में आ रहा है वो सेंटेंस पहला सेंटेंस कभी भी नहीं बनेगा, ये कभी भी नहीं हो सकता। दिस भाई क्या नहीं हो सकता, जब तक इस दिस को आइडेंटिफाई ना किया जाए ये सेंटेंस पहला सेंटेंस हमारा नहीं बन सकता। तो ए भी नहीं बन सकता और बी भी नहीं बन सकता, ए नहीं बन सकता फॉर एग्जाम्पल के कारण, बी नहीं बन सकता दिस, समझ गए ना मैं बोल रहा हूँ। माई कार हैज़ बीन पार्क्ड देयर या हेयर, मेरी कार वहाँ पार्क्ड है, ठीक है ना, पार्क की हुई है। फिर मैं बोल रहा हूँ दिस इज अ रोल्स रॉयस, ये एक रोल्स रॉयस है, या दैट इज अ रोल्स रॉयस, ये एक वो जो है ना रोल्स रॉयस है। तो दिस दैट तब आता है जब पहले किसी चीज़ को आप आइडेंटिफाई कर लें फिर उसको दिस दैट से आप जो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट और सेकेंड हमारा नहीं है, तीसरा देख लो। द इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज बिल्ट ऑन प्रिजम्पशन दैट इफ समथिंग इज गुड फॉर वन चाइल्ड इट इज़ गुड फॉर ऑल चिल्ड्रन, कह रहा भारत का शिक्षा सिस्टम एजुकेशन सिस्टम ऐसा बिल्ड होना है इस प्रिजम्पशन पे, इस पूरे के पूरे थ्योरी पे, प्रिजम्पशन मतलब होती है थ्योरी, है ना, इस विचार पे या थ्योरी पे बेस्ड है कि अगर कोई चीज़ एक बच्चे के लिए अच्छी है तो वो सब बच्चों के लिए अच्छी है। हमारा एजुकेशन सिस्टम सबको एक ही लाठी से तोलता है। इस सेंटेंस से मुझे देख के बताओ कोई भी ऐसे हिंट आई है जिससे आपको लगे ये सेंटेंस पहला सेंटेंस नहीं है, कोई भी ऐसी हिंट नहीं आई इस सेंटेंस में। एक स्टेटमेंट दी गई है जो सेंटेंस की शुरुआत, इसे पूरे पैराग्राफ की शुरुआत कर सकती है। सी मेरा एक कंटेंडर है फर्स्ट सेंटेंस बनने का। चलो आगे बढ़ो, मोर इंपॉर्टेंटली इस पर ध्यान देना, मोर इंपॉर्टेंटली कह रहा और भी इंपॉर्टेंट बात ये है, डिफरेंट टीचर्स एंड इंस्टीट्यूट्स हैव डेवलप्ड डिफरेंट वेज ऑफ टीचिंग डांसिंग, कह रहा और भी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अलग अलग टीचर्स ने और इंस्टीट्यूट्स ने डेवलप कर लिया है अलग अलग तरीकों को डांस को टीच करने के। देखो यहाँ पे एक हिंट मिली आपको मोर इम्पॉर्टेंटली, इसका मतलब क्या है, और भी इम्पॉर्टेंट बात ये है। तो पहले तो आपको इम्पॉर्टेंट बात बताओगे फिर आप लिखोगे मोर इम्पॉर्टेंटली, समझ गए मेरी बात को, आप बोल रहे हो शिक्षा एजुकेशन इज नेसेसरी, आपने एक स्टेटमेंट दी, फिर आप लिख रहे हो मोर इम्पॉर्टेंटली यू गेट अ जॉब इफ यू गेट योर कॉलेज डिग्री, एजुकेशन जरूरी है, इससे भी इंपॉर्टेंट बात क्या है, नौकरी आपको तब मिलती है जब आप कॉलेज डिग्री पूरी करते हो, मतलब मोर इंपॉर्टेंटली किसी दूसरी स्ट्रक्चर को फॉलो ही करता है, कभी भी इंडिपेंडेंटली आप इसको नहीं देखोगे, समझ गए ना लॉजिक। पेपर में मैं समझूंगा ये मेरा पहला सेंटेंस नहीं हो सकता, ए नहीं है, बी नहीं है, डी नहीं है, सी हो सकता है। आगे ई पे पढ़ो, देयर आर वेरी डिफरेंट डांस फॉर्म्स दैट अट्रैक्ट स्टूडेंट्स विद डिफरेंट टेस्ट, बहुत सारी अलग अलग डांस फॉर्म्स हैं जो अट्रैक्ट करती हैं बच्चों को अलग अलग टेस्ट के, है ना, अलग अलग टेस्ट के साथ। ये सेंटेंस हमारा पहला सेंटेंस हो सकता है, सी भी हो सकता है और ई भी हो सकता है ना, इसमें भी कोई ऐसी चीज़ नहीं आई जिसको देख करके मुझे लगे कि यहाँ पे इसका आना पहले कोई और सेंटेंस का जरूरी है फिर ये आएगा, सी और ई दोनों हो सकते हैं। लास्ट देखो, इफ हाउएवर, आपने इफ देखा हाउएवर देखा, जब जब सेंटेंस किसी एडवर्ब से या किसी कंजंक्शन से शुरू हो रहा हो दैट इज नेवर योर फर्स्ट सेंटेंस, समझ गए ना, कभी कभी भी सेंटेंस हाउएवर से बट से ऐसे शुरू हो रहा हो कभी भी आपका पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। इसका मतलब होता है हालांकि, हालांकि वाला सेंटेंस
हालांकि वाला सेंटेंस किसी दूसरे सेंटेंस को हमेशा फॉलो करता है। रूल समझ गए, अब इसको पढ़ लो। ये पहला सेंटेंस तो नहीं है, कह रहा हालांकि वी कैन कलेक्टिवली डिसेंट्रलाइज एजुकेशन, हम इफेक्टिवली डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं एजुकेशन को। डिसेंट्रलाइज करने का मतलब क्या है, एक बोर्ड या यूनिवर्सिटी ना हो, हर शहर की अलग यूनिवर्सिटी हो, हर गली का अलग बोर्ड हो, है ना, सब अपने अपने हिसाब से अपनी ज़रूरतों के बच्चों के हिसाब से पढ़ाएं। तो सेंट्रलाइजेशन ना होने के बजाय डिसेंट्रलाइजेशन हो। आगे कह रहा है, एंड इफ द गवर्नमेंट डिड नॉट ऑब्सेसिवली कंट्रोल व्हाट वुड बी द सिलेबस एंड व्हाट विल बी द मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, देयर कुड बी एन एक्सप्लोजन ऑफ न्यू एंड इनोवेटिव कोर्सेज गियर्ड टुवर्ड्स सर्विंग वेरियस रिचेज ऑफ लर्नर्स। कह रहा है अगर सरकार कंट्रोल ना करे, If the government did not obsessively control, ये बना हुआ है कंडीशनल नंबर दो। जिन्होंने कंडीशनल की वीडियो पढ़ी है फटाफट आप बता दोगे ये कंडीशनल टू है ना, if प्लस में v2। अगर सरकार जो है कंट्रोल ना करे जो सिलेबस होगा, what would be सिलेबस और क्या मेथड होगा, क्या तरीका होगा पढ़ाने का। कह रहा है अगर सरकार इस पर अपनी तानाशाही ना जताए, है ना, सरकार ऐसा ना करे, तो कह रहा हो सकता है वहाँ पे एक एक्सप्लोजन हो नए और इनोवेटिव कोर्सेज का, जो गियर टूवर्ड्स हों, जो पूरी तरह से फोकस्ड हों सर्व करने पे अलग अलग टाइप के रिचेस को लर्नर्स के, है ना, अलग अलग टाइप के लर्नर्स के, यूँ समझ लो अलग अलग टाइप के लर्नर्स को जो है ना वो सर्व करेंगे। तो सरकार अगर एक कोर्स ना बनाए ना, तो हर लर्नर को अपना कस्टमाइज कोर्स मिले और हर आदमी अपनी एबिलिटी के हिसाब से कुछ परफॉर्म करे, कुछ नया सीखे। अब इसकी फिलॉसफी में नहीं जाएंगे, हमें पता लग गया ये नहीं है, ये नहीं है, ये है फर्स्ट सेंटेंस, ये नहीं है, ये हो सकता है, ये नहीं है, ठीक है। अब देखो आपको फर्स्ट सेंटेंस इन दोनों में से एक चूज करना है। मोर इम्पॉर्टेंटली अगर आपके पास दो कंटेंडर्स आ जाएं, तो वो कंटेंडर फर्स्ट सेंटेंस होगा जिसमें ज़्यादा वर्ड्स हैं या जिसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और जनरलाइज बात हो रही है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज बिल्ड ऑन प्रजम्पशन। यहाँ पे कम वर्ड्स हैं और यहाँ पे छोटी इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है कि वहाँ पे बहुत डिफरेंट डांस फॉर्म्स हैं और अट्रैक्ट करती हैं अलग अलग डिफरेंट टाइप के टेस्ट को। तो मैं यहां पे इस अजम्पशन से चलूंगा कि इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन है, दिस इज माय फर्स्ट सेंटेंस। अब जैसे ही आपने ये आइडेंटिफाई किया ना, ये ढेर हो गया आपके सामने, सच बता रहा हूं मैं। अगर आपने इस प्रोसेस को फॉलो किया हो एग्जाम में, एक मिनट लगता है इसको करने में। यहां पे फॉर एग्जाम्पल देखा, यहां पे दिस को देखा, यहां पे पूरा सेंटेंस पढ़ा, यहां पे मोर इंपॉर्टेंटली देखा, यहां पे आपने इफ हाउवर देखा, एक मिनट में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो सी या ई में से एक आपका फर्स्ट है, और सी आपका फर्स्ट होगा क्योंकि ज्यादा लंबा है। इतना करते ही ये सेंटेंस ढेर हो गया आपके सामने। अब देखो कैसे होगा, ध्यान से देखना। ये मेरा फर्स्ट सेंटेंस, ठीक है। अब मैं जोड़े मिलाता हूँ, कैसे मिलाऊंगा देखो। दिस कुड नेवर हैपन इफ देयर वॉज अ सेंट्रलाइज बोर्ड ऑफ टीचिंग। ये कभी भी नहीं हो पाता अगर एक सेंट्रलाइज बोर्ड ऑफ टीचिंग होता डांसिंग एजुकेशन के लिए, है ना। ये कौन सी चीज़ भाई, अब देखो बात करेगा किसी चीज की, जो चीज है वो बताएगा पहले, तो वो चीज कौन सी है देखो यहां पे। देर आर वेरी डिफरेंट डांस फॉर्म्स दैट अट्रैक्ट स्टूडेंट्स विद डिफरेंट टेस्ट। थोड़ा सा विजुलाइजेशन करो, विजुलाइजेशन क्या करना है आपको, डांस डांस वाले सेंटेंस को अलग ले लो। यहां पे आ रहा है डांस फॉर्म्स, यहां पे आ रहा है डांस, यहां पे आ रहा है डांस, यहां पे आ रहा है डांस, है ना, चार जगह डांस आ रहा है, ये डांस के आपस में जुड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं मानता हूं एग्जाम्पल के लिए ले लो डांसिंग को, फिर मैं मान रहा हूँ वहाँ पे बहुत सारी डांस फॉर्म्स हैं और अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग टेस्ट के जो है ना अट्रैक्ट करती हैं। उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखो अलग अलग की बात हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट, उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, अलग अलग टीचर्स और अलग अलग इंस्टीट्यूट्स ने डेवलप कर लिया है अलग अलग वेज को डांस को टीच करने के। और लास्ट में कह रहा है ये बात कभी भी नहीं हो पाती अगर एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डांसिंग एजुकेशन होता जो कि इन्फोर्स करता स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स को। समझ रहे हो, डांस वाले चारों सेंटेंस अगर आप एक साथ ले लो तो आपको पता लग जाएगा कि वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इंडियन एजुकेशन आ गया फर्स्ट सेंटेंस, उसके बाद आपने डांस वाला ले लिया, मान लो इसको सेकेंड मान लो या थर्ड मान लो, जो भी होगा, है ना, मान लो ये सेकंड है तो अगला थर्ड हो जाएगा, ये थर्ड है तो अगला फोर्थ हो जाएगा। मैं इसको अभी कुछ भी नहीं मानता, मैं इनको सिर्फ जमा रहा हूँ। तो डांस में कह रहा हूँ मैं, एग्जांपल के लिए ले लो डांस। डांस के अंदर क्या होता है, अलग अलग फॉर्म्स होती हैं और अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स को जो है अट्रैक्ट करता है। उससे भी इम्पॉर्टेंट बात क्या है, अलग अलग टीचर्स भी होते हैं और अलग अलग इंस्टीट्यूट्स ने अलग अलग तरीकों को भी अपना रखा है। ये बिल्कुल इसके बाद में आएगा क्योंकि मोर इम्पॉर्टेंटली इस वाले सेंटेंस को फॉलो करेगा, ठीक है ना। लास्ट में देखो कह रहे ये सब अलग अलग वाला काम ना हो पाता अगर एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डांसिंग एजुकेशन ना होता, अगर होता तो, जो कि स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड लगाता और बताता कि क्या पढ़ाना है और कैसी चीज़ कैसे पढ़ाई जाएगी। तो मेरे पास एक जोड़ा बन गया,
ए बी सी और डी, ठीक है ना। अब ये एक साथ ही आएंगे, चाहे ये शुरू में रखो लास्ट में रखो, इनका जोड़ा ऐसा ही बनेगा। फर्स्ट बन गया मेरे पास ये, फर्स्ट सेंटेंस मेरे पास ये है। अब देख लो लास्ट वाला, इफ हाउएवर, यहाँ पे क्या कह रहा है, हालांकि लेकिन वी कैन इफेक्टिवली डिसेंट्रलाइज एजुकेशन, हम इफेक्टिवली अगर एजुकेशन को डिसेंट्रलाइज कर सकें और सरकार कंट्रोल ना करे सिलेबस को, तो क्या होगा, नया एक्सप्लोजन होगा नए इनोवेटिव कोर्सेज का जो कि सर्व करेंगे हर टाइप के लर्नर्स को। तो इसको सी को एफ से कनेक्ट कर दो, कह रहा हमारा एजुकेशन इस सिस्टम इस पे प्रजम्पशन पे बेस्ड है कि एक चीज़ सबके लिए सही है, एक चीज़ गुड है सबके लिए, लेकिन अगर हम डिसेंट्रलाइज कर दें एजुकेशन को, ये देखो उल्टी बात कर रहा है यहाँ पे, वन थिंग इज़ गुड फॉर एवरीवन, और यहाँ पे डिसेंट्रलाइज की बात कर रहा है इफ़ लगा के, हाउएवर, हालांकि अगर हम ऐसा ना सोचें, वन थिंग इज़ गुड फॉर एवरीवन, हम डिसेंट्रलाइज कर दें और सरकार इसको कंट्रोल ना करे, तो हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज बाजार में होंगे, समझ गए ना। सी और ई आपस के अंदर एक दूसरे से उल्टी बात कर रहे हैं, इफ़ हाउएवर नाम की कंजंक्शन से आपको पता भी लग रहा है। तो फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा आपका ये, सेकंड सेंटेंस हो जाएगा आपका ये वाला, थर्ड सेंटेंस हो जाएगा आपका ये, फोर्थ सेंटेंस हो जाएगा आपका ये, मोर इम्पोर्टेंटली पांचवा सेंटेंस ये, और छठवां सेंटेंस ये, ए बी सी डी ई एफ, समझ गए ना। यही अप्रोच एग्ज़ाम में लगानी थी। किसी के दिमाग में थोड़ा सा भी वहम हो कि सर मैं ये नहीं कर सकता, तो आप कर सकते हो, सिर्फ आपके मन में कॉन्फिडेंस की कमी है। जो मैंने आपको बताया यही आप भी सोच सकते थे पेपर में, यही अप्रोच को आप भी फॉलो कर सकते हो। थोड़ी सी रीडिंग करनी पड़ती है इसके लिए, अगर रीडिंग अच्छी है तो आपको पता होगा भाई, हाउ एवर इफ का काम होता है किसी चीज़ से उल्टी बात करना, है ना। हाउ एवर का मतलब होता है हालांकि, है ना, तो उल्टी बात करता है, तो ये और ये उल्टी बात कर रहे हैं, तो ये और ये इसके बाद में जम जाएंगे। बस ये हिंट्स हैं और ये इसी तरीके से आपको करना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, यहाँ से आप रिप्लाई कर सकते हैं, जस्ट ए मिनट, यहाँ से आप रिप्लाई कर सकते हैं। छः के छः क्वेश्चंस है ना, पांच ही हैं एग्जाम में, तो मैंने छः के छः आपको करवा दिए। अब अपने बढ़ेंगे आरसी की तरफ। आरसी में एक चीज़ की गांठ मार लेना, हमेशा एक काम पहले करना है आपको, और वो काम है सारे क्वेश्चंस को रीड करना। सिक्स नंबर, सेवन नंबर, एट नंबर, सारे क्वेश्चन जो है ना, छः से लेकर पंद्रह तक आप उनको एक बार रीड करोगे। मैं ये नहीं कह रहा ये लंबे लंबे को पूरा पढ़ो, मत पढ़ो, लेकिन जो छोटे मोटे हैं वो तो पढ़ लो ना कम से कम पहले। आ जाओ पहले क्वेश्चंस को रीड करते हैं। द सेंट्रल थीम ऑफ द गिवन पैसेजेस, थीम पूछिए, जब तक पूरा नहीं पढ़ोगे तब तक नहीं पता लगेगा, आगे बढ़ जाओ। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंड्स एग्जिस्टेड अदरवाइज बट इज नाउ बींग मैनिफेस्टेड इन बाइंग ग्रोसरीज एज वेल। कह रहे इस कॉन्टेक्स्ट में देखें, इस पैसेज के अगर पैसेज को पढ़ के देखा जाए, तो इनमें से कौन सा वो ट्रेंड है जो पहले भी विद्यमान था, पहले भी मौजूद था, एग्जिस्ट करता था, लेकिन अब वो मैनिफेस्ट हो रहा है। मैनिफेस्ट होने का मतलब है अपने आप को प्रेजेंट करना, मैनिफेस्ट होने का मतलब होता है प्रकट होना, किसी चीज़ का प्रकट होना, जैसे भूत आ जाता है, भगवान आ जाता है, वो मैनिफेस्ट करता है अपने आप को। तो कह रहे कौन सा ऐसा ट्रेंड है जो पहले भी था लेकिन आजकल वो ग्रोसरी बाइंग के टाइम है ना, वो मैनिफेस्ट हो रहा है। आजकल वो किराने का सामान लेते हैं तब भी वो ट्रेंड हमें दिखाई देता है, पुराना ट्रेंड पर किराने के सामान पर भी चलता है। तो ये ट्रेंड कौन सा है भाई, ये तो अपने जब पढ़ेंगे तभी पता लगेगा, इनको छोड़ दो, आगे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट नियरली द अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड डिप्रेसिंग एज यूज इन द पैसेज। कह रहे डिप्रेसिंग का अपोजिट क्या होता है, सीधे सीधे ही कर सकते हो आप। नील का मतलब है जीरो, लाइट का मतलब है जो है रोशनी, डाउटफुल का मतलब है जो शकी हो, सनी का मतलब है लाइट, लाइट जैसा ही होता है, सनी मतलब फुल ऑफ सन, जिसमें खूब सारा प्रकाश हो। एनकरेजिंग का मतलब है जो आपको एनकरेजमेंट दे, डिप्रेसिंग का मतलब है जो आपका हौसला तोड़े। भाई हौसला तोड़ने का बिल्कुल उल्टा है एनकरेजमेंट देना। कोई पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ी बहुत वोकैबुलरी जानते हो, ये आपका आंसर है, समझ गए ना। पैसेज के क्वेश्चंस पहले पढ़ने से क्या होता है, कभी कभी आपके पास टाइम कब बचता है, लेकिन आप क्वेश्चन पढ़ के दो तीन क्वेश्चन आंसर कर दोगे बिना पैसेज पढ़े, तो आपको फायदा होगा, दो तीन क्वेश्चंस एडिशनल मिलेंगे आपको, है ना। चलो आ जाओ। कह रहा एज मेंशन इन द पैसेज, सी पी जी कंपनीज मे हैव टू रीअसेस देयर प्रेजेंट स्ट्रेटजी ऑफ ऑपरेटिंग टू ए बी एस सी। तो उनको प्रेजेंट स्ट्रेटजी को कैसे चेंज करना है, किस काम के लिए, जब तक पूरा नहीं पढ़ा तब तक नहीं पता लगेगा, आगे बढ़ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट नियरली द अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड डिप्रेसिंग। ये देखो अब ये क्या मेमोरी बेस्ड पेपर था, ये मेमोरी बेस्ड है, मेमोरी बेस्ड है, इसका मतलब क्या है, गलत हो गए क्वेश्चन, पीछे ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, इसने फिर से कॉपी कर दिया, है ना।
ऐसा समझो 10 नंबर क्वेश्चन जो रिपीटेड है, इसके मार्क्स सभी को मिलेंगे, है ना। चलो ये रिपीटेड क्वेश्चन है ना, डिप्रेसिंग आंसर है एनकरेजिंग, तो इसने उल्टा फिर से लिख दिया। अब देखो 11वां और 12वां लंबे लंबे क्वेश्चन है, पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, बाद में ही पढ़ लेंगे। ट्रू के बारे में पूछ रहा है और यहाँ पूछ रहा है क्रिटिकल फैक्टर्स दैट एड इन क्रिएटिंग नीड्स ऑफ कंज्यूमर्स, छोड़ दो इनको। 13वां देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट नियरली द सेम इन द मीनिंग टू द वर्ड अबव श्रिंकिंग एज यूज इन द पैसेज। कह रहे श्रिंक नाम का जो वर्ड यूज हुआ है उसी से मिलता जुलता मीनिंग कौन सा वाला यहाँ पे होगा, ठीक है ना। श्रिंक से मिलता जुलता कौन सा होगा। पैसेज को ऐसी तैसी करने दो, इसको यहीं पढ़ सकते हो आप। श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना, सिकुड़ना या किसी चीज़ का कम होना, डिक्रीज होना, ठीक है ना। आपका स्वेटर छोटा हो जाए तब भी वो श्रिंक कर रहा है, आपका प्रॉफिट कम हो जाए तब भी वो श्रिंक कर रहा है, सिकुड़ना या कम होना। अब इसके जैसा मीनिंग कहाँ से मिलेगा। डेवलपिंग मतलब जो आगे बढ़े, बड़ा हो। अनोइंग मतलब जो आपको चिढ़ाए। नरोइंग मतलब जो सिकुड़े। वेस्टिंग मतलब जो वेस्ट करे। राइजिंग मतलब जो चढ़ता हो, है ना, राइज कर रहा हो, जैसे सूरज होता है राइजिंग। यहाँ पे सिकुड़ने से उल्टा सीधा सीधा इसका सिनोनिम है नैरोइंग। सी आपका आंसर है। पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं, यहीं पे सॉल्व हो गया। आगे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट नियरली द सेम इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड वेरीगेटेड एज यूज इन द पैसेज। तो वेरीगेटेड से मिलता जुलता वर्ड कौन सा है। ये वर्ड अपने पैसेज में ही देखेंगे क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है ये, है ना, आपने शायद सुना भी ना होगा। तो वेरी से वैसे आप इसमें आइडिया लगा सकते हो, वैरायटी से बना है, पर फिर भी पैसेज को पढ़ेंगे, जहाँ पे वर्ड आएगा ना वहाँ पे इसका मीनिंग निकालेंगे और फिर इसके जैसा मीनिंग यहाँ से सर्च करेंगे। और आगे बढ़ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट नियरली द ऑपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड शटर्ड, शटर्ड एज यूज इन द पैसेज। शटर्ड जैसा कौन सा मीनिंग यहाँ पे कोई भी वर्ड देगा। अब देखो शटर्ड भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, इसको आप जो है ना दुकान के शटर से जो है कनेक्ट कर सकते हैं। ये वही वाला शटर है, मैं आपको बता दूं, है ना, कैमरा का शटर होता है या आपकी शॉप का शटर होता है। फिर भी पैसेज में जहाँ वर्ड आएगा वहाँ पे इस क्वेश्चन को अपने रिविजिट करेंगे। तो ये काम करना होता है आपको क्वेश्चन पढ़ के। इससे होता क्या, आपको दो क्वेश्चन तो आपने सोल्व कर दिए पढ़ते पढ़ते, और दो तीन क्वेश्चन का आपको आइडिया मिल गया कि उनके आंसर कहाँ रखें। अब आ जाओ पैसेज को पढ़ना शुरू करते हैं। अब शुरू करते हैं आर्टिकल को पढ़ना। जैसे आप एडिटोरियल पढ़ते हो मेरे साथ वैसे ही इसको पढ़ाऊंगा मैं, है ना, आप खुद भी पढ़ सकते हो साथ साथ। कह रहा मैन्युफैक्चरर्स जो है ना, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ कंज्यूमर पैकेज गुड्स फेस टू की चैलेंजेस दिस ईयर। तो सीपीजी की फुल फॉर्म आ गई, जहाँ पे सीपीजी का क्वेश्चन पूछा हुआ है वहाँ पे ये फुल फॉर्म आपको काम में आएगी, आ सकती है, है ना। तो कह रहे जो मैन्युफैक्चरर हैं, निर्माता हैं कंज्यूमर पैकेज गुड्स के, ये कौन से गुड्स होते हैं, जो डब्बा बंद गुड्स होते हैं, है ना, जैसे मैगी है या कोई भी ऐसी चीज़ जो डब्बे में आती है खाने वाली। तो कंज्यूमर पैकेज गुड्स के मैन्युफैक्चरर फेस कर रहे हैं दो इंपॉर्टेंट चुनौतियों को इस साल, दिस ईयर। अब पहली क्या है, द फर्स्ट कंटिन्यूड स्लो और नेगेटिव ग्रोथ इन पीपल्स डिस्पोजेबल इनकम्स। कह रहा पहली क्या है, लगातार स्लो और नेगेटिव ग्रोथ जो है किसमें, लोगों की इनकम में जो होती है डिस्पोजेबल। डिस्पोजेबल क्या होती है, जिसको लोग खर्च करते हैं, वो इनकम का हिस्सा जिसको ना तो वो सेव करते हैं ना वो टैक्स में देते हैं, है ना। या तो आप टैक्स में दोगे सरकार को, या सेव करोगे या खर्च करोगे, तीन ही काम करते हो आप अपने पैसे से। तो ना तो आप सेव इन्वेस्ट कर पा रहे हो ना टैक्स में दे पा रहे हो, वो वाला पैसा जो आप खर्चा करते हो ना। कह रहा पहला जो चैलेंज है वो ये है कि खर्चा करने वाली इनकम लोगों की कम होती जा रही है। कह रहा द सेकेंड इज चेंजिंग कंज्यूमर एटीट्यूड्स टूवर्ड प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स एज द की फ्रेगमेंटेशन ऑफ कंज्यूमर मार्केट्स टेक्स अनदर टर्न। कह रहा दूसरा क्या है, लोगों का चेंज होता हुआ एटीट्यूड, नजरिया, और किसकी तरफ भाई, प्रोडक्ट्स के लिए और ब्रांड्स के लिए। और कैसे, जैसे ही ग्रेट फ्रेगमेंटेशन कंज्यूमर मार्केट्स का वो टेक करता है अनदर टर्न को। अब देखो यहाँ पे एक नई टर्म आई है, ग्रेट फ्रेगमेंटेशन। इस टर्म के बारे में इसने हमें बताया नहीं है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है किसी चीज़ के फ्रेगमेंट होना, टुकड़े होना। ग्रेट फ्रेगमेंटेशन का मतलब है बहुत ही बड़ा किसी चीज़ का जो है ना विभाजन। अब ये क्या है शायद आगे मैं बताएगा, अभी इसको यहाँ पे छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। तो सेकंड बता रहा है कि चेंज होता हुआ एटीट्यूड, और ये एक नई चीज़ जो हमें आगे पता लगेगी ये है क्या। चलो कह रहा है इन रिस्पॉन्स कंपनीज मस्ट ड्रामेटिकली शिफ्ट द रूट दे टेक टू रीच कस्टमर्स इन टर्म्स ऑफ बोथ प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड कम्युनिकेशन। कह रहे इसकी प्रतिक्रिया में, इन दोनों चैलेंजेस के रिस्पॉन्स में कंपनीज को करना ही चाहिए, और क्या, बहुत ही बड़े स्केल पे ड्रामेटिकली शिफ्ट करना चाहिए उस रास्ते को जो कि ये लेती हैं पहुंचने के लिए कंज्यूमर्स तक। और कैसे, इन टर्म्स ऑफ के रूप में
और कैसे कैसे, दोनों, पहला तो है प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है कम्युनिकेशन। तो कह रहे इसका रिस्पॉन्स यही होगा, कंपनियां कैसे हमारे पास प्रोडक्ट लेके आती हैं और कैसे एडवर्टाइजिंग करती है, कैसे हमसे बात करती हैं, दोनों ही तरीकों को कंपनियों को ड्रामेटिकली उनमें शिफ्ट लाना होगा, है ना, इसके रिस्पॉन्स में। चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ की अगर समरी देखूं तो ये है कि कंज्यूमर पैकेज गुड्स के पास दो चैलेंजेस हैं और इनको नए तरीकों को याद करना है। दोनों चैलेंजेस हमें बताए गए हैं, पहला है लोगों की इनकम कम हो रही है, दूसरा है लोगों का नज़रिया बदल रहा है ब्रांड्स को लेकर के। समरी करते जाओ दिमाग में, अब आगे बढ़ो। कह रहा है इवन वेयर इकोनॉमीज आर स्टार्टिंग टू परफॉर्म बेटर द स्क्वीज ऑन आफ्टर टैक्स वेजेस स्पेशली फॉर द मिडिल क्लास यंगर पीपल एंड फैमिलीज इज डिप्रेसिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग। कह रहा है इवन यहाँ तक कि जहाँ इकोनॉमियाँ स्टार्ट कर रही हैं परफॉर्म करना अच्छे से, जिस जिस देश की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था अच्छे से परफॉर्म कर रही है, कह रहा है वहाँ पर जो स्क्वीज है ना, स्क्वीज का मतलब होता है दबाव। आपने नींबू लिया ना, जब उसको आप दबा दबा के उसकी लास्ट बूंद निकालते हो ना उसके नींबू के लेमन वाटर की, लेमन के जूस की, तो वो कहलाता है स्क्वीज करना, किसी भी चीज़ को निचोड़ देना, हिंदी बोलते हैं निचोड़ना। कह रहा है जहाँ पे इकोनॉमियाँ अच्छे से परफॉर्म कर रही हैं, स्टार्ट कर रही हैं, वहाँ पे जो निचोड़ आ रहा है, जो दबाव आ रहा है आफ्टर टैक्स वेजेस पे, टैक्स देने के बाद हमारी इनकम पे, और ख़ास करके किसके लिए, मिडिल क्लास के यंगर पीपल के लिए, आपके जैसे मेरे जैसे 30 साल के लोगों के लिए और फैमिलीज़ के लिए, कह रहे ये जो है ना डिप्रेसिंग है, डिप्रेस कर रहा है कंज्यूमर की स्पेंडिंग को। तो ये स्क्वीज जो है कंज्यूमर के स्पेंड करने की क्षमता को धीमा कर रहा है, हमारे पास पैसा कम आ रहा है तो हम स्पेंड भी कम कर रहे हैं। आगे बढ़ो। कह रहा ऑल दो ग्रोथ इन डेवलपिंग कंट्रीज इज स्टिल बेटर देन इन यूएसए एंड यूरोप, अ स्लो डाउन इन इमर्जिंग कंट्रीज सच एज चाइना वेयर मैनी कंट्रीज हैड होप्ड फॉर हायर सेल्स हैज़ ट्रांसलेटेड क्विकली इनटू लोअर देन एक्सपेक्टेड कंज्यूमर स्पेंडिंग ग्रोथ। मुझे लगता है ऐसे सेंटेंस देख करके ज़्यादातर क्लर्क के कैंडिडेट्स हैं ना, खास करके क्लर्क वाले, बैंक क्लर्क वाले, वो डर जाते हैं, है ना। पीओ में भी ऐसे ऐसे वाले आएंगे, पीओ में और आईबीपीएस एसओ में भी आप देखोगे, है ना, लेकिन डरना नहीं है, बहुत सिंपल सेंटेंस है। कह रहा है हालांकि जो ग्रोथ है डेवलप होती हुई कंट्रीज़ में वो अभी भी बेटर है बजाय अमेरिका के और यूरोप के। तो अमेरिका और यूरोप में ग्रोथ बहुत कम है। कह रहा है हालांकि इन दोनों के बजाय दूसरी कंट्रीज़ में ग्रोथ अभी भी बेटर है, जैसे कि कौन सी कंट्रियाँ, इमर्ज होती हुई कंट्रियाँ जैसे कि चाइना, जहाँ पे बहुत कंट्रियों ने होप किया था हायर सेल्स के लिए, जैसे चाइना, जहाँ पे कंपनियों ने सोचा था कि बहुत अच्छी हमारी सेल आएगी। कह रहा है ये जो है ना ग्रोथ जो है ये ट्रांसलेट हो गई है क्विकली, फटाफट, और किस में, लोअर देन एक्सपेक्टेड कंज्यूमर स्पेंडिंग ग्रोथ में, जो एक्सपेक्टेड था उससे कम, उससे लोअर, और किस में, कंज्यूमर की स्पेंडिंग ग्रोथ में। सेंटेंस समझा देता हूँ। कह रहा हालांकि ग्रोथ जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ में अभी भी बेटर है अमेरिका और यूरोप से, फिर भी एक स्लो डाउन जो आया है ना इन कंट्रीज़ के अंदर, जो मंदी आई है जैसे कि चाइना के अंदर, और जहाँ पे बहुत सारी कंट्रियों ने सोचा हुआ था कि उनको ज़्यादा सेल्स मिलेगी, है ना, चाइना जैसी कंट्रियों में, कह रहे स्लो डाउन जो है ना वो ट्रांसलेट कर गया है, वो बदल गया है बहुत जल्दी आशा से कम एक्सपेक्टेड कंज्यूमर स्पेंडिंग के अंदर। कंपनियों ने सोचा था चाइना में लोग के पास पैसा आ रहा है, वो खूब पैसा खर्च करेंगे, वो कर भी रहे थे, लेकिन बीच में मंदी आ गई, उन्होंने पैसा खर्च करना बंद कर दिया, कंपनियां थोड़ी निराश हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा मीन वाइल व्हाट वी कॉल द ग्रेट फ्रेगमेंटेशन। अब देखो यहां बताएगा ग्रेट फ्रेगमेंटेशन क्या है। कह रहा इसी बीच हम जिसको कहते हैं ग्रेट फ्रेगमेंटेशन इज मैनिफेस्टेड इन कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केट रिस्पॉन्स। तो कह रहा ये ग्रेट फ्रेगमेंटेशन जिसको हम कहते हैं ना, वो प्रकट हो रहा है, वो अपने आप को सबूत दे रहा है अपने आप का, है ना, वो अपने सबके सामने आ रहा है, और किस में, कंज्यूमर के बिहेवियर में और मार्केट के रिस्पॉन्स में। ग्रेट फ्रेगमेंटेशन अब सबको दिखाई दे रहा है, ये होता क्या है अभी हमें नहीं पता, आगे बताएगा। कह रहा इन बोथ डेवलप्ड एंड इमर्जिंग मार्केट्स देयर इज अ वाइडर वैरायटी अमंग कंज्यूमर्स नाउ देन एट एनी टाइम इन द रिसेंट पास्ट। तो कह रहा दोनों ही जगह पे, अमेरिका जैसी कंट्रियों में और इमर्जिंग मार्केट्स इंडिया जैसी में, दोनों ही जगह पे एक बड़ी वैरायटी ऑफ कंज्यूमर्स है आज की डेट में, और बजाय किसके, किसी भी वक्त के रीसेंट पास के अंदर। तो पहले नहीं हुआ करता था, पहले का छोड़ दो, पहले के मुकाबले आज बहुत ही बड़ी वैरायटी ऑफ कंज्यूमर हमारे बाजार के अंदर अवेलेबल है। 10 पैसे की चीज़ भी लोग बाजार में ढूंढते हैं और 10 लाख की भी वही चीज़ बाजार में लोग ढूंढते हैं। 20 रुपए की घड़ी भी आती है और 20 लाख की घड़ी भी लेने वाले बाजार में लोग बैठे हैं, समझ गए ना। तो इस तरह से बहुत वैरायटी है कंज्यूमर्स की, पूरा समझा रहा हूँ, आगे बढ़ो। कर ग्रोथ इज एविडेंट बोथ एट द टॉप ऑफ द मार्केट वेयर मोर कंज्यूमर्स आर स्पेंडिंग फॉर हायर क्वालिटी फूड एंड अदर पैकेज गुड्स, एंड एट द लोअर एंड वेयर एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कंज्यूमर्स
आर कंसंट्रेटिंग ऑन वैल्यू। करेक्ट, ग्रोथ दोनों जगह है, दोनों जगह जो है ना विकास एविडेंट है, ग्रोथ दोनों जगह जाहिर है, साफ है। कहाँ पे? एक तो बोथ एट द टॉप पे, सबसे ऊपर मार्केट के, सबसे अमीर लोगों के अंदर जो मार्केट में ग्रोथ है वो हो रही है ना, जहाँ पे ज़्यादा कंज्यूमर्स स्पेंड कर रहे हैं अच्छी क्वालिटी फूड पे और अदर पैकेज गुड्स पे, समझ गए ना। रेड बुल वाले कस्टमर्स जो सुबह और शाम चाय की जगह रेड बुल पीते हैं 150 रुपए की लाके, कह रहे हैं यहाँ भी ग्रोथ मिल रही है। और दूसरी जगह कहाँ मिल रही है? एट द लोअर एंड, लोअर एंड पे भी, गरीब लोगों में भी, जहाँ पे एक इंक्रीज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स जो हैं कंसंट्रेट कर रहे हैं वैल्यू पे। उनको 150 रुपए दे करके रेड बुल नहीं लेनी, वो तो 150 रुपए दे करके 20 जो है ना कप चाय का मसाला लेके आएंगे वो, समझ गए ना। वैल्यू पे कंसंट्रेट करते हैं वो, पैसा देंगे तो पूरी वैल्यू लेंगे। तो कह रहे हैं दोनों जगह ग्रोथ मिल रही है, अमीरों में भी और गरीबों में भी। आगे कह रहा है बट द ट्रेडिशनल मिडिल ऑफ द मार्केट इज श्रिंकिंग, लेकिन मिडिल क्लास जो है वो श्रिंक हो रही है, उसके पास पैसा भी कम हो रहा है और उसकी ग्रोथ भी कम होती जा रही है, समझ गए ना। तो कह रहा ऊपर भी ग्रोथ, नीचे भी ग्रोथ, बीच के अंदर ग्रोथ जीरो है। चलो आगे बढ़ते हैं, लंबा है। कह रहा फर्दर इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर इज मोर प्लूरिस्टिक, कह रहा इससे भी आगे इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर है ना वो भी बहुत प्लूरिस्टिक है। प्लूरिस्टिक का मतलब क्या होता है? प्लूरल है, अलग अलग टाइप का है, सिंगुलर नहीं है, एक टाइप का नहीं है, अलग अलग टाइप का बिहेवियर है। एक ही आदमी अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। कैसे? वी आर यूज टू सीइंग फॉर एग्जांपल स्पिरिट्स बायर्स परचेजिंग अ प्रीमियम ब्रांड इन बार अ लेस कॉस्टली लेवल एट होम फॉर पर्सनल कंजम्पशन एंड येट अनदर व्हेन एंटरटेनिंग गेस्ट, कह रहे हैं हम यूज टू हैं, हमें आदत हो गई है देखने की। एग्जाम्पल के लिए जो स्पिरिट्स बायर्स होते हैं, जो शराब के कस्टमर होते हैं, स्पिरिट का मतलब क्या होता है? एल्कोहल। स्पिरिट का मतलब होता है या तो आत्मा या शराब की बोतल, अल्कोहल। तो कह रहा है शराब के जो कस्टमर्स हैं, बायर्स हैं, हमें आदत होगी उनको देखने की, वो परचेज करेंगे एक प्रीमियम ब्रांड को बार के अंदर, बार में तो बहुत ही महंगी जो है ना जो है बोतल मंगवाएंगे, और कम कॉस्टली मंगवाएंगे घर पे, जब वो घर पे पीते हैं तो कम कॉस्टली वाली पी जाएंगे, और फिर दूसरी कोई और मंगाएंगे जब एंटरटेन कर रहे हैं किसी गेस्ट को, समझ गए ना। बार में तो ब्लू लेवल, घर के अंदर ब्लैक लेवल, समझ गए ना। अलग अलग लेवल बना रखे हैं इन्होंने, बार में तो महंगी से महंगी और घर पे सस्ती से सस्ती। तो कह रहा है एक ही आदमी का प्लूरिस्टिक बिहेवियर हमें देखने को मिल रहा है। गेस्ट आएगा तो और भी बढ़िया कोई ग्लेनफिडिस मंगवाएंगे, है ना, बढ़िया वाली। कह रहा बट दिस टाइप ऑफ वेरीगेटेड शॉपिंग हैज़ नाउ स्प्रेड टू द ग्रोसरी बास्केट एज वेल, यहाँ पे वेरीगेटेड वर्ड आ गया है, इसको मुझे यहीं पे सॉल्व करना है। पहले सेंटेंस का मीनिंग समझ लो, फिर हम करेंगे इसको सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है लेकिन दिस टाइप ऑफ वेरीगेटेड शॉपिंग जो है ना, दिस टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ शॉपिंग, वेरीगेटेड मतलब फुल ऑफ वैरायटी, है ना, जिसमें बहुत वैरायटी हो। कह रहा है इस टाइप की, अलग अलग टाइप की जो शॉपिंग है ना वो स्प्रेड हो गई है ग्रोसरी मार्केट में भी आज की डेट में। आज की डेट में हम किराने का सामान भी ऐसे ही लेते हैं, है ना, अच्छी चीज़ बड़ी दुकान से, सस्ती चीज़ छोटी दुकान से, इस तरह से हम किराने में भी करने लगे हैं। अब देखो वेरीगेटेड आप समझ गए जिसमें बहुत सारी वैरायटियाँ हो, अगर समझ गए हो तो वेरीगेटेड वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, सब भूल जाओ, सीधे उस क्वेश्चन को उठाओ जिसमें वेरीगेटेड आपसे पूछा गया था। कहाँ है वेरीगेटेड? नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट नियरली द सेम इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड वेरीगेटेड एज यूज इन द पैसेज, अब बता दो कौन सा इसका सेम होगा। नैरो का मतलब सिकड़ा हुआ, वैल्यूड मतलब जिसकी बहुत वैल्यू हो, स्ट्रॉन्ग जानते हैं मजबूत, कंपोजिट मतलब जो कई टुकड़ों से मिलकर बना हो, कंपोजिट, डाइवर्स का मतलब है फुल ऑफ वैरायटी, डाइवर्स, इस वर्ड को आपने बहुत बार सुना है, दूसरी फॉर्म में बताऊं डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इसका मतलब होता है विविधता। इंडिया में बोलते हैं ना, इंडिया एक डाइवर्स कल्चर है, इंडिया एक विविध कल्चर है, हर तरह के लोग, हर तरह के रिलीजन के लोग हमारे यहाँ इंडिया में मिलते हैं, समझ गए ना। तो इसका वेरीगेटेड का सिनोनिम होता है डाइवर्स, बहुत सारा वैरायटी से भरा हुआ। आ जाओ अपने पैसेज पे आगे, तीन क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिए ऑलरेडी, है ना, यहीं पे था ना आपने, यहाँ पे था, हाँ वेरीगेटेड वाला हो गया। कह रहा फ्यूअर कंज्यूमर्स आर मेकिंग वन बिग स्टॉकिंग अप ट्रिप ईच वीक इंस्टेड ऑफ शॉपर्स आर विजिटिंग अ प्रीमियम स्टोर एंड अ डिस्काउंटर एज वेल एज अ सुपर मार्केट इन मल्टीपल वीकली स्टॉप्स, कह रहे बहुत ही फ्यूअर, ना के बराबर जो कंज्यूमर है ना वो मेक कर रहे हैं वन बिग स्टॉकिंग अप जो है ट्रिप को। स्टॉक अप करने का मतलब होता है सामान इकट्ठा करना, ट्रिप का मतलब होता है एक गेड़ा मार के आना, ट्रिप का मतलब होता है आना और जाना, है ना, किसी जगह पे। पहले हम क्या करते थे,
महीने भर का राशन एक साथ ले आते थे, उसको बोलते थे स्टॉकिंग अप ट्रिप। क्यों? सारे महीने का सामान स्टॉकअप कर लिया आपने, जो सामान आपको खाने का सूखा सामान था, जिसको आपको ख़राब नहीं होता है, फ्रिज में नहीं रखने की ज़रूरत, उसको आप महीने का एक साथ ले आते थे, इसको बोलते थे स्टॉकिंग अप ट्रिप। कह रहे आज की डेट में कम कंज्यूमर है जो कर रहे हैं एक बड़ी स्टॉकिंग अप ट्रिप को, है ना, हर हफ्ते, ईच वीक। और बजाय क्या कर रहे हैं वो शॉपर्स, है ना, वो विजिट कर रहे हैं प्रीमियम स्टोर को, बड़ी महंगी दुकान को, एक डिस्काउंटर को, एक छोटे सुपरमार्केट को, साथ ही साथ सुपरमार्केट और कैसे मल्टीपल वीकली स्टॉप्स के अंदर। तो कभी कभी तो आप बेस्ट बाय पे घुस जाते हो, है ना, कोई बड़ा सामान लेने के लिए, बेस्ट बाय या कोई भी प्रीमियम ब्रांड है आपके यहाँ, रिलायंस फ्रेश है, है ना, वहाँ से फ्रूट्स ले आए, रेडी वाले से आपने गली में खीरे ले लिए, है ना, प्याज कहीं से मंडी वंडी से ले आए उठा करके इकट्ठे करके। तो आप आजकल इकट्ठा सारा सामान नहीं कर रहे हो, एक एक करके अलग अलग वीक्स में, अलग अलग हफ्तों में, जो मल्टीपल जो ट्रिप्स बना रहे हो। कह रहा है इन एडिशन टू मेकिंग फ्रीक्वेंट ऑनलाइन परचेजेस ऑनलाइन, साथ ही साथ फ्रीक्वेंट ऑनलाइन परचेजेस के, जो बच गया वो ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, बिस्किट विस्किट ऑनलाइन मंगा लिए। तो आज का कंज्यूमर एक ट्रिप नहीं करता है, वो दिन में 5 ट्रिप करता है, अलग अलग दुकानों पर चढ़ के ग्रोसरी लाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऐसी आएगी तभी समझ पाओगे। कह रहे ड्यूरिंग रिसेशन मोर शॉपर्स बिकेम इंक्लाइंड टू स्पेंड टाइम हंटिंग फॉर बार्गेन्स एंड एज सम ट्रेडिशनल रिटेलर्स इधर वेंट आउट ऑफ बिजनेस और शटर्ड डाउन। अब शटर्ड वाला वर्ड आ गया, यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। कह रहे रिसेशन के दौरान ज़्यादा शॉपर बन गए इंक्लाइंट, व्हेन यू आर इंक्लाइंट टू समवन, इसका मतलब है आपका रुझान हो गया उस चीज़ की तरफ। कह रहे रिसेशन के दौरान ज़्यादातर शॉपर जो हैं उनका रुझान हो गया है कि वो स्पेंड टाइम करेंगे हंट करने में बार्गेन्स के लिए। बार्गेन का मतलब होता है अच्छी डील, गुड डील को बोलते हैं बार्गेन्स, है ना। तो वो हंट करते हैं, बस ढूंढते रहते हैं कहाँ पे डिस्काउंट लगा हुआ है, कहाँ पे अच्छी डील रही है। तो रिसेशन के टाइम ऐसा हो रहा है। और जो है कुछ ट्रेडिशनल रिटेलर्स जो हैं, या तो वो वेंट आउट ऑफ बिजनेस हो गए हैं, या उन्होंने शटर डाउन कर दिया है, या तो उनका बिजनेस बंद हो गया है, या उन्होंने दुकान को अभी शटर लगा करके टेम्परेरली या परमानेंटली बंद कर दिया है। तो शटर डाउन आपके पास यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब आ गई। कह रहे रिटेल स्पेस वॉज फ्रीड अप एंड वॉज ऑफन फिल्ड बाय कन्वीनियंस स्टोर्स स्पेशली शॉप्स एंड डिस्काउंटर्स। जो रिटेल स्पेस था, जो रिटेल के अंदर बड़े बड़े बाजार हुआ करते थे, सुपरमार्केट्स रिटेल वाली, उनका स्पेस अब फ्री अप हो गया, उन्होंने जगह छोड़ दी है और उनकी जगह पे आ गए हैं कन्वीनियंस स्टोर्स, किराने की दुकानें। कन्वीनियंस स्टोर मतलब प्रचुरन वाले, किराने वाले, और ख़ास करके दुकानें और डिस्काउंटर्स, ऐसी दुकानें जो हमेशा डिस्काउंट पे माल बेचती हैं, सस्ता माल डिस्काउंट के ऊपर, समझ गए ना। तो इस तरह से बता रहा है, बड़ी ब्रांड्स जो हैं अभी आजकल बंद हो रही हैं, छोटी दुकानों पे लोग जा रहे हैं। यहाँ पे शटर डाउन आप समझ गए हो। कह रहे या तो वो वेंट आउट ऑफ हो गए हैं बिजनेस, जिसको हम शटर डाउन भी बोलते हैं, है ना। शटर डाउन का मतलब है किसी दुकान का शटर जब डाउन हो जाता है, दुकान बंद हो जाती है, उसको कहते हैं शटर डाउन। अब आ जाओ शटर वाले क्वेश्चन पे, उसको सॉल्व करो, सब कुछ छोड़ दो, उस क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट नियरली इज मोस्ट नियरली द ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड शटर्ड। अब शटर्ड का उल्टा क्या है? किसी दुकान का खुलना, किसी चीज़ का स्टार्ट होना। तो शटर्ड का मतलब है क्लोज्ड, ये हो गया सिनोनिम। रिटेल इसका मतलब कुछ बना नहीं इससे। फ्लरिश का मतलब है फलना फूलना, फलना फूलना। ग्रेटिफाइड मतलब बड़ा होना, ग्रेटिफाई मतलब किसी को ग्रेटिफाई करते हो ना, तो उस पर एहसान करते हो आप, है ना। और नीरस मतलब सबसे नज़दीक। ग्रेटिफाइड मतलब एहसान तले दबा हुआ, नीरस मतलब सबसे नज़दीक, रिटेल को आप जानते हो, क्लोज मतलब बंद, ये शटर्ड का सिनोनिम है। बचा क्या? फ्लोरिस्ट। जब दुकान शटर्ड होती है उसका उल्टा है, दुकान फल फूल रही है, बढ़ रही है। फ्लोरिस्ट का मतलब है फलना फूलना, डेवलप होना आगे। तो ओपोजिट सही है, सी आपका आंसर है, थर्ड, है ना। ग्रेटिफाइड का एक और मतलब भी होता है असंतुष्ट, या इसको आप बोल सकते हो सेटिस्फाइड। जब आप किसी को एहसान कर देते हो तो वो आदमी ग्रेटिफाइड हो जाता है आपके लिए, जब आप किसी को संतुष्ट कर देते हो वो आदमी भी ग्रेटिफाइड हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। तो ये इसका मीनिंग नहीं बनता है। आगे बढ़ो अपने पैसेज के ऊपर। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये वाला आ गया ना, हाँ शटर डाउन वाला हो गया। अब यहाँ आ जाओ। कह रहा अब दो ही पैराग्राफ्स बाकी हैं। कह रहा डेकेड अगो CPG कंपनीज हैड ओनली अ हैंडफुल ऑफ सेल्स चैनल्स टू कंसीडर, सुपरमार्केट्स, कन्वीनियंस स्टोर्स, हाइपरमार्केट्स इन एडवांस इकोनॉमीज एंड ट्रेडिशनल स्मॉल एंड लार्ज रिटेलर्स इन इमर्जिंग कंट्रीज। तो कह रहा है एक 10 साल पहले जो कंज्यूमर पैकेज ग्रुप गुड्स जो कंपनियां थी जो बना करके माल बेचती हैं डब्बों के अंदर, कह रहा उनके पास एक हैंडफुल ऑफ सेल्स चैनल्स थे। हैंडफुल का मतलब है मुट्ठी भर,
हिंदी बोलते हैं हैंडफुल, मतलब मुट्ठी भर। तो उनके पास खाली एक मुट्ठी भर ही चैनल से सेल्स करने के, कंसीडर करने के लिए। बड़े बाज़ारों में तो सुपरमार्केट लाते थे, कन्वीनियंस स्टोर लाते थे या हाइपरमार्केट लाते थे, और छोटे बाज़ारों में छोटे या लार्ज रिटेलर्स को इमर्जिंग कंट्रीज के अंदर। सिर्फ यही इनके पास तरीका था माल को बेचने का। कह रहा सिंस देन वेरियस डिस्काउंटर्स हैव मेड सिग्निफिकेंट इन रोड्स इंक्लूडिंग नो फ्रिल्स लो वैरायटी आउटलेट्स सच एज यूरोप आल्डी एंड लीडी। इतना ही पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। कह रहा तब से सिंस देन हुआ क्या, बहुत सारे डिस्काउंटर्स ने बना लिया है बहुत बड़ी इन रोड्स को। इन रोड्स का मतलब होता है एंट्री लेना। वेन यू मेक इन रोड्स, इन रोड्स आप क्या कर रहे हो, इन कर रहे हो किसी चीज़ के अंदर वाया अ रोड, समझ गए ना। इन रोड करना मतलब किसी चीज़ के अंदर एंट्री लेना। कह रहे तब से बहुत बड़े बड़े डिस्काउंटर्स ने, डिस्काउंटिंग वाली शॉप्स ने बड़ी बड़ी इन रोड्स बना ली हैं, बड़ी बड़ी एंट्रियाँ मार ली हैं। और कहाँ पे, कौन कौन सी, जिसमें शामिल है नो फ्रिल्स लो वैरायटी आउटलेट्स, जैसे कि यूरोप का आल्डी और लीडी। अब देखो आल्डी लीडी कौन है, विच सेल अ लिमिटेड रेंज ऑफ प्राइवेट लेवल ग्रोसरी आइटम्स इन स्मॉलर स्टोर्स एंड अ मैसिव वेयरहाउस क्लब्स सच एज कोस्टो एंड सैम्स क्लब विच इनिशली ऑपरेटेड सोनली इन USA बट आर नाउ एक्सपेंडिंग इंटरनेशनली। कह रहे ये आल्डी लीडी वो हैं जो सेल करते हैं बहुत ही लिमिटेड रेंज को प्राइवेट लेवल ग्रोसरी आइटम्स की, है ना। बहुत ही कम ग्रोसरी आइटम्स इनके पास होती है, लिमिटेड सी रेंज है, और कहाँ पे, स्मॉलर स्टोर्स के अंदर। अच्छा और कौन आ गया, देखो एक तो ये आ गया इंक्लूडिंग नो फ्रिल्स, है ना, और लो वैरायटी कॉस्ट, और आ गया मैसिव वेयरहाउस क्लब्स नाम की ब्रांड, जैसे कि कोस्टको और सैम्स क्लब, है ना। ये मैसिव वेयरहाउस क्लब्स हैं, बड़े बड़े वेयरहाउस क्लब्स हैं, जो कि शुरू में ऑपरेट करते थे खाली अमेरिका में, और अब वो एक्सपेंड कर रहे हैं इंटरनेशनली। तो देखो बता रहा है कि 10 साल पहले सिर्फ यही 4-5 तरीके होते थे इनके पास, लेकिन आज की डेट में छोटे छोटे ब्रांड्स भी इंडिया में और दूसरी कंट्रीज में आ रहे हैं, आल्डी लीडी जैसे, जिनके पास या तो बहुत ही कम माल होता है, स्पेशली स्टोर होते हैं स्पेशलाइज्ड, या ये बड़े बड़े वेयरहाउस होते हैं कोस्टो और सैम जैसे, जो खाली USA में होते थे, आजकल इंडिया में भी आ रहे हैं, इंडिया और चाइना में। आ जाओ आगे, लंबा है ना, बस यही डराता है सबको, पढ़ लोगे फटाफट तो नहीं डरोगे। कह रहा इन एडिशन डॉलर स्टोर्स स्पेशलाइज रिटेलर्स एंड ऑनलाइन मर्चेंट्स आर हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन CPG लैंडस्केप। कह रहा इसी के साथ साथ जो डॉलर स्टोर हैं और स्पेशलाइज रिटेलर्स हैं और ऑनलाइन मर्चेंट्स हैं, समझ गए ना, ये भी इम्पैक्ट रखते हैं, असर रखते हैं CPG के लैंडस्केप पे, CPG के पूरे परिदृश्य पे। लैंडस्केप का मतलब होता है पूरी भूमिका या बैकग्राउंड। तो कंज्यूमर पैकेज गुड्स इंडस्ट्री के बैकग्राउंड में ये लोग भी अपना प्रभाव रखते हैं। करा इकोनमाइजिंग कंज्यूमर्स हैव बीन प्लेजेंटली सरप्राइज्ड बाय द सेविंग्स जनरेटेड बाय स्प्रेडिंग देयर बिजनेस अमॉन्ग मल्टीपल चैनल्स एज वेल एज बाय द वैरायटी एंड प्रोडक्ट क्वालिटी दे फाइंड। करा इकोनमाइजिंग जो कस्टमर्स होते हैं ना, जो इकोनॉमी को फॉलो करते हैं, जो कंजूस होते हैं, जो कंजूसी से चलते हैं, कह रहा कंजूसी जो वाले जो कस्टमर होते हैं, जो सोच समझ के चलते हैं, वो बहुत ही प्लेजेंटली सरप्राइज हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से हैरान है पर उनको मज़ा आ रहा है। और किससे, उन सेविंग से जो जनरेट होती है स्प्रेड करने से उनकी खरीदी को। ये बिजनेस गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए परचेस। कस्टमर बिजनेस थोड़ा ना करता है, कस्टमर तो परचेज करता है आप और मैं। तो जब वो अपना स्प्रेड कर देते हैं ना परचेज को अलग अलग चैनल्स में, साथ ही साथ वो सरप्राइज्ड हैं जो वैरायटी और ग्रेट प्रोडक्ट क्वालिटी उनको आजकल मिल रही है। तो जो सस्ता सामान लेने वाले लोग हैं ना, आजकल बड़े खुश हैं, ऑनलाइन उनको इतने कूपन मिलते हैं, इतने डिस्काउंट मिलते हैं, फ्री में भी चीज़ें मिल जाती हैं, तो बड़े खुश हैं बड़े ऐसे लोग, इकोनमाइजिंग लोग, उनको बहुत वैरायटी मिल रही है और बड़ा पैसा बच रहा है। कह रहा द रिजल्ट हैज़ बीन ग्रेटर डिमांड फॉर मोर प्रोडक्ट एंड ब्रांड्स विद डिफरेंट साइजेस पैकेजिंग एंड सेल्स मेथड्स। कह रहे इस चीज़ का रिजल्ट क्या है, ग्रेटर डिमांड आ गई है और प्रोडक्ट की और ब्रांड्स की, है ना, और कैसे, अलग अलग साइज के, अलग अलग पैकेजिंग के और अलग अलग सेल्स मेथड के, समझ गए ना। प्रोडक्ट तो अभी भी 100 बिकते हैं, लेकिन हर टाइप का प्रोडक्ट बिकता है बाज़ार में, 10 टाइप के ये, 10 टाइप के ये प्रोडक्ट, 10 टाइप के ये प्रोडक्ट, तो डिमांड अब बाज़ार में वैरायटी की हो रही है, कहने का मतलब ये। क्रैज मोस्ट CPG कंपनीज स्कू आर प्रोलिफरेटिंग डिस्पाइट देयर बींग लिटल इंक्रीज इन ओवरऑल कंजम्पशन। कह रहे बहुत ज़्यादातर CPG कंपनियों की तरह SKU जो है ना, ये हमें पता नहीं क्या होता है, ये कह रहे SKU जो हैं वो भी प्रोलीफरेट कर रहे हैं। प्रोलीफरेट करने का मतलब होता है डेवलप होना, साइज में बड़ा होना, फलना फूलना, किसी चीज़ का प्रोस्पेरस होना, है ना। कह रहे इसी तरह से SKU नाम की ये चीज़ें भी हैं,
ये भी बढ़ रही हैं, बावजूद वहाँ होने के बहुत ही कम इंक्रीज उनके ओवरऑल कंजम्पशन के अंदर। प्रोडक्ट आज भी बाजार में वो सोई बेचते हैं, लेकिन ये कंपनियां बड़ी इसलिए हो रही हैं क्योंकि इनकी वैरायटियां बढ़ती जा रही हैं, है ना। 100 प्रोडक्ट में भी अलग अलग वैरायटी के ये अलग अलग दामों के प्रोडक्ट बेचते हैं। कह रहा है, अ बेटर आउटकम कैन बी सीन एट स्मॉलर फूड एंड बेवरेज सप्लायर्स। एक और अच्छा आउटकम जो है ना वो आप देख सकते हैं छोटे फूड और बेवरेज सप्लायर्स के लिए, है ना। जो लोग छोटी ब्रांड के हैं, छोटी जो है बेवरेज जो है, छोटी सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है बाजार में बेचते हैं, विच आर बेनिफिटिंग फ्रॉम कंज्यूमर डिमांड फॉर वैरायटी एंड ऑथेंटिसिटी, जो कि बेनिफिट ले रहे हैं कंज्यूमर की डिमांड का, ज्यादा वैरायटी का और ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स का। ज्यादा कुछ घुसने वाला नहीं है, बस पढ़ते जाओ इसको, लास्ट में अपने क्वेश्चन जो बचे हुए सॉल्व करेंगे, वहीं पे ये वाली सारी चीजें आपके काम आएंगी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कहते हैं सर हम पिछला भूल जाते हैं। अगर हम पिछला भूल जाते हैं तो सर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? इसका एक ही इलाज है, स्पीड से पढ़ो और दो बार पढ़ डालो। पहले एक बार जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ लिया आपने, स्पीड से पढ़ लिया, फिर क्वेश्चंस को एक बार फिर नजर मार ली बचे हुए, और फिर एक बार स्पीड से पढ़ लिया, जो क्वेश्चन नहीं हो रहा उसको आपने करने की कोशिश कर ली। दो बार में भी नहीं हो रहा तो क्वेश्चन छोड़ के आ जाना, क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं होगा। चलो आ जाओ, प्रैक्टिस से होता है सारा। कह रहा है, रिसेंट रिपोर्ट फाउंड दैट इन द यूएसए स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स विद रेवेन्यू ऑफ लेस देन 1 बिलियन ग्रू एट ट्वाइस द कंपाउंड एनुअल रेट ऑफ लार्ज मैन्युफैक्चरर्स। कह रहे, एक रिपोर्ट ने पाया कि अमेरिका में छोटे मैन्युफैक्चरर जिनका रेवेन्यू $1 बिलियन 100 करोड़ डॉलर से कम है, है ना। कह रहे वो ग्रू हुए, वो डेवलप हुए, वो विकास हुआ उनका दुगनी कंपाउंड एनुअल रेट से, और वो किसकी बजाय, लार्ज मैन्युफैक्चरर्स के जिनका 3 बिलियन से ज्यादा रेवेन्यू है, और कब से कब, 2009 से 12 के बीच। जिस क्वेश्चन में 2009-12 आ रहा हो वहां पे इस पैराग्राफ को अपने को फिर से जो है ना फॉलो करना है। करें, कंज्यूमर मीडिया, कंज्यूमर्स मीडिया यूजेस हैज ऑल्सो फ्रेगमेंटेड विद द राइज ऑफ डिजिटल कॉन्टेंट एंड द प्रोलिफरेशन ऑफ ऑनलाइन डिवाइसेस। करें, कंज्यूमर की मीडिया यूजेस भी है ना वो भी फ्रेगमेंट हो गई है, मीडिया यूज करने के भी अलग अलग तरीके हो गए हैं, है ना। यूज जो है वो एक जैसे नहीं है, फ्रेगमेंटेड है, और कैसे, उठाव के साथ, बढ़त के साथ, राइज के साथ डिजिटल कंटेंट की, और प्रोलिफरेशन के साथ ऑनलाइन डिवाइसेस की। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है डेवलपमेंट, किसी चीज का फलना फूलना, है ना, प्रोस्पेरस होना। तो जैसे जैसे बाजार में जितने ज्यादा सीजन आ रहे हैं और जितने टाइप के सस्ते सस्ते डिवाइस आ रहे हैं, हमारी मीडिया यूज भी फ्रेगमेंटेड हो रही है। किसी को यूट्यूब देखना है, किसी को सीजन देखना है, किसी को मूवी देखनी है, किसी को कुछ भी देखना है ना। कर ई चैनल फ्रॉम द वेब, मोबाइल एंड सोशल साइट्स फॉर रेडियो, टीवी एंड प्रिंट हैज इट्स ऑन रिक्वायरमेंट्स, ऑडियंस अपील एंड इकोनॉमिक्स नीडिंग स्पेशलाइज्ड अटेंशन। कह रहा हर चैनल की, चाहे वो वेब की बात हो इंटरनेट की, चाहे मोबाइल फोन की बात हो, चाहे सोशल साइट्स की बात हो, चाहे रेडियो की बात हो, चाहे टीवी की बात हो, चाहे अखबारों की बात हो, कह रहा सबकी अपनी रिक्वायरमेंट है, सबकी अलग अलग पहुंच है, सबकी अलग अलग जरूरत है, ऑडियंस की अपील है, और इनकी खुद की जो है अर्थव्यवस्था है ना, जिसको जरूरत है स्पेशल अटेंशन की। अगर न्यूज़पेपर आप बेचते हो और टीवी सीरीज भी डिजाइन करते हो, तो जैसे न्यूज़पेपर बेचते थे वैसे टीवी सीरीज नहीं बिकेगी। टीवी सीरीज का ग्राहक भी हो रहा है, इसको बेचने का तरीका भी हो रहा है, इसकी रिक्वायरमेंट करने वाले लोग भी हो रहे हैं, ठीक है ना, न्यूज़पेपर से डिफरेंट है। तो यही कहना चाह रहा है, करे बट एट द सेम टाइम मीडिया कंपनीज नीड टू बी क्लोजली कोऑर्डिनेटेड फॉर इफेक्टिव कंज्यूमर मैसेज। करे उसी वक्त, लेकिन मीडिया कंपनी को भी जरूरत है क्लोजली कोऑर्डिनेट करने के लिए, ताकि अच्छे तरीके से कंज्यूमर को मैसेज दे पाए। तो इस पूरे पैराग्राफ में इसने मीडिया की बात की है, अब ये सीपीजी की बात नहीं कर रहा, ये कंज्यूमर पैकेज गुड्स की बात नहीं कर रहा, ये कर रहा है बात, इसीलिए मीडिया कंपनी को क्लोजली कोऑर्डिनेट करना है, इफेक्टिवली कंज्यूमर मैसेजिंग करें। आजकल लोगों को आपको उनके हिसाब से ही एड परोसनी पड़ेगी, जैसा वो देखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, ये इसका लास्ट पैराग्राफ है ना, लास्ट है, चैन की सांस ले लेना इसके बाद। करेक्ट, कलेक्टिवली दीज शिफ्ट्स चैलेंज दैट द सीपीजी कंपनीज मैनेज देयर ब्रांड एंड बिजनेस पोर्टफोलियोज एंड कॉल फॉर अ रीथिंकिंग ऑफ देयर गो टू मार्केट अप्रोच विद एन एम्फेसिस ऑन एनालिटिक्स। करेक्ट, सब मिलकर के ये सारे के सारे शिफ्ट चैलेंज करते हैं क्या, कि जो सीपीजी कंपनियां हैं वो मैनेज करें अपनी ब्रांड को और अपने बिजनेस के पोर्टफोलियो को, और ये कॉल फॉर करते हैं, डिमांड करते हैं फिर से आप रीथिंक करें उनके क्या गो टू मार्केट अप्रोच को, और कैसे एक इंफोसिस हो आपका एनालिटिक्स के ऊपर। ये सब चीजें हमें ये बताते हैं कि आप बाजार में सीपीजी कंपनी कैसे एडवर्टाइज करेगी। न्यूज पेपर वाले को न्यूज पेपर के हिसाब से एडवर्टाइजमेंट देनी है, टीवी वाले को टीवी के हिसाब से, यूट्यूब वाले को यूट्यूब के हिसाब से,
समझ गए ना, तो कैसे आप अपना ब्रांड मैनेज करोगे, कैसे बिजनेस पोर्टफोलियो मैनेज करोगे और कैसे आप रीथिंक करोगे कि कैसे आपको गो टू मार्केट करना है, कैसे कंज्यूमर तक आपको पहुंचना है। करा आवर वर्क, ये सारा आपको एनालिटिक्स के साथ करना है, एनालाइज करना आपको पूरा, है ना। करा आवर वर्क विद INSEAD शोज दैट अमंग बिजनेस लीडर्स अप्लाइंग एनालिटिक्स स्पेशली फॉर ट्रैकिंग कंज्यूमर बिहेवियर एंड प्रोडक्ट प्रमोशन परफॉर्मेंस इज considered one of the most effective ways to improve results and outpace the competition. कह रहा है हमारा वर्क जो है इस कंपनी के साथ हमें शो करता है कि उन बिजनेस लीडर्स के बीच में, उन व्यापारिक नेताओं के बीच में जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कह रहा है जो कि अप्लाई करने का जो काम है ना एनालिटिक्स को, खास करके ट्रैक करने का कंज्यूमर के बिहेवियर को, प्रोडक्ट को, प्रमोशनल परफॉर्मेंस को, कह रहा है ये जो काम है ना कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज, सबसे इफेक्टिव में से एक वे को, है ना, इसको सबसे इफेक्टिव माना जाता है ताकि इंप्रूव कर सके रिजल्ट्स को और आउटपेस कर सके, आगे भाग सके कंपटीशन से। आउटपेस करना मतलब पेस में, रफ्तार में किसी को आउट करना, किसी को पीछे छोड़ना। तो हमारे को यही पता लगा, बड़े बड़े जो लीडर हैं, बिजनेस लीडर्स, वो ऑनलाइन डेटा गैदर करते हैं ताकि उनको पता लगे उनका प्रोडक्ट उनके कंपटीटर से ज्यादा बेहतर कैसे बिकेगा। कह रहा बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट इनसाइट, कह रहा लेकिन ये सारी की सारी चीज इनसाइट की नहीं है। इनसाइट का मतलब होता है गहरी जांच, किसी चीज के अंदर घुस के गहरी इन्वेस्टिगेट करना ना, इन प्लस में साइट कहलाता है इनसाइट। कह रहा लेकिन ये सारी चीज इनसाइट की बात ही नहीं है, सिर्फ डेटा से कुछ नहीं होगा। कह रहा इट्स ऑल्सो अबाउट यूजिंग द इनसाइट वाइजली टू डिटरमिन हाउ टू मैनेज कॉस्ट, ये इस बारे में है कि आप कैसे इनसाइट को यूज करोगे ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि आप अपनी कॉस्ट को कैसे मैनेज करोगे। कह रहा द मोर नॉलेजेबल अबाउट कंज्यूमर नीड्स एंड प्रेफरेंसेस अ कंपनी इज, द स्मार्टर एंड मोर फोकस्ड इट मस्ट बी इन मैनेजिंग इट्स ऑन इकोनॉमीज। अक्सर आप लास्ट वाले दो सेंटेंसेस के अंदर एक, कम से कम एक क्वेश्चन लिखोगे, कभी कभी दो क्वेश्चन होंगे, लास्ट वाले को हमेशा ध्यान से पढ़ना, है ना, कंक्लूजन होता है इसमें। करे द मोर नॉलेजेबल अबाउट कंज्यूमर नीड्स एंड प्रेफरेंसेस एक कंपनी इज, करे जितनी नॉलेजेबल एक कंपनी होती है अपने कंज्यूमर की नीड और प्रेफरेंसेस के बारे में, करे उतनी वो स्मार्ट भी होती है और ज्यादा फोकस्ड भी होती है, और किस काम में, जो कि इसको होना चाहिए मैनेज करने में अपने खुद के धंधे को, व्यापार को, इकोनॉमी को। और क्यों, टू कॉस्ट इफेक्टिवली डिलीवर, सही तरीके से कम कॉस्ट में डिलीवर करने के लिए दोनों ही चीजों को, वैरायटी को और वैल्यू को, और किसको, टू बी स्क्वीज्ड कस्टमर, यहाँ पे बी की जगह द आएगा, है ना, गलत लिखा हुआ, वैरायटी और वैल्यू को हमारे स्क्वीज्ड कस्टमर को, मिडिल क्लास कस्टमर को, जिसके पास पैसे कम है, जो बड़ा ही सोच समझ के चलता है। तो कह रहे डेटा से कुछ ना होगा, डेटा को आपको एनालाइज करना पड़ेगा, अपना खुद का व्यापार धंधा देखना पड़ेगा, अगर कॉस्ट कम करके वैरायटी और वैल्यू दोनों दे दोगे तो बिजनेस आपका इंक्रीज होगा, समझ गए ना। अब आ जाओ इसके बच्चे भी क्वेश्चन करते हैं। मैराथन, मैराथन ये होता है पूरा का पूरा मैराथन जैसा है, आप देख रहे हो ना, बहुत बड़ा ये सारा का सारा आपका जो था 10 पैराग्राफ से इसके अंदर, है ना। आ जाओ 6 नंबर से देखते हैं कौन कौन सा नहीं हुआ। पहले सेंट्रल थीम निकाल लेते हैं, इसने किस चीज के बारे में बात की, द श्रिंकिंग मार्केट के बारे में बात की, शिफ्ट टुवर्ड्स ऑफरिंग लग्जरी गुड्स टू कस्टमर्स, कस्टमर्स को लग्जरी गुड्स के तरफ जो है ऑफर करने की शिफ्ट की बात की, प्रोडक्ट्स टू ऑफर कंज्यूमर्स विद स्क्वीज पॉकेट्स, प्रोडक्ट कैसे ऑफर किए जाएं कंज्यूमर्स को जिनकी स्क्वीज पॉकेट्स हैं उसकी बात की, या टू हाइलाइट प्रोडक्ट्स कंज्यूम्ड बाय मिडिल क्लास, इसकी बात की कि कैसे कौन से प्रोडक्ट्स को मिडिल क्लास हाईलाइट जो है जो कंज्यूम करता है इसको हाईलाइट करने की बात की, या गेनिंग इनसाइट इनटू चेंजिंग कंज्यूमर बिहेवियर टुवर्ड्स सीपीजी, जो इनसाइट मिली आपको गेन करना इनसाइट को, अच्छी जांच पड़ताल को कंज्यूमर के चेंज होते हुए बिहेवियर के लिए सीपीजी के लिए। आप सब लोग खुद से डिसाइड करें, मैं आपको 10 सेकंड दूंगा, मैं पानी भी पी लेता हूं इतनी देर में। सब लोग कोशिश करके मुझे बताएंगे 500 में से कौन इसकी थीम बनेगा। देखो अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया हो ना तो सीपीजी सीपीजी हुआ हर जगह, हर जगह इसने एक ही बात की है सीपीजी, सीधे सीधे आपको सीपीजी यहां पर लगा के आना। और बात क्या हुई है, यही बात तो ये कर रहा है कि पहले लोग अलग अलग तरीके से दूसरी जगह काम करते थे, दूसरे दूसरे सेगमेंट्स में बिहेव करते थे, लेकिन आजकल उनका बिहेवियर चेंज हो रहा है सीपीजी के लिए, है ना। आजकल वो अलग तरीके से कंज्यूमर प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, गुड्स को, वो बाजार जाते हैं,
इकट्ठा माल लेके नहीं आते हैं, ऑनलाइन भी खरीदते हैं, इसीलिए इन कंपनीज को नए तरीके से इन कंज्यूमर तक पहुंचना है। समझ गए ना? हो सकता है आपको ये भी लगे स्क्वीज्ड कस्टमर की बात हो रही है, ये भी हो सकता है, हो सकता है, लेकिन ओवरऑल मैं समराइज करना चाहूं तो मैं यही बात कर रहा हूं बार बार कि कैसे कंज्यूमर प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट गुड्स को हम अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं उनके लिए, है ना। तो जो पांचवा है मेरा, ये थीम बनेगा, दिस इज माई करेक्ट थीम। अब देखो बाकी के, ये डिप्रेसिंग वाला हो गया, अब सेकंड वाला देख लो। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंड्स एग्जिस्टेड एवरीवेयर अदरवाइज बट इज नाउ बीइंग मैनिफेस्टेड इन बाइंग ग्रोसरीज एज वेल। ये मैंने आपको अच्छे से समझाया था, करा कौन सी ऐसी चीज है जो पहले दूसरी जगह होती थी लेकिन आजकल ग्रोसरीज में भी हमें मिल रही है। इसने बताया था ना भाई, हम जब स्पिरिट्स लेने जाते हैं बाजार में तब कभी तो अलग तरह टाइप की पियेंगे, घर पे लाएंगे तो सस्ती पी लेंगे, गेस्ट आएगा तो और बढ़िया पियेंगे उसके सामने, वैसा ही काम हम आजकल ग्रोसरी में कर रहे हैं। तो ये उसी की बात तो कर रहा है ना। वो देखो जहां पे ये वाला बात करे वहां पे अपना आंसर आ जाएगा। करेक्ट, कंज्यूमर परचेजिंग द सेम प्रोडक्ट फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कंज्यूमर का परचेज करना एक जैसे प्रोडक्ट को, गलत बात है। कंज्यूमर अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, फर्स्ट नहीं है। कंज्यूमर विलिंग टू परचेज गुड्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ये भी गलत है। कंज्यूमर्स प्रेफरिंग लग्जरी गुड्स ओवर रेगुलर गुड्स। कंज्यूमर है लग्जरी गुड्स खरीद रहा है, सस्ते दाम के प्रोडक्ट्स को नहीं खरीद रहा है, रेगुलर गुड्स को, गलत बात है, ये भी नहीं है। आजकल का कस्टमर तो बल्कि वैल्यू को ज्यादा देख रहा है ना, जिसमें उसको ज्यादा फायदा मिले। कंज्यूमर्स आर मोर अवेयर ऑफ देयर राइट्स, ठीक है अवेयर होंगे, लेकिन इस पैसेज में हमें ये बात कहीं भी नहीं बोली। कंज्यूमर्स प्रेफर बाइंग गुड्स फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ स्टोर्स, यही तो बोला। कंज्यूमर अपना गुड अलग अलग तरह के स्टोर से बाय कर रहा है, फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ स्टोर्स, यही मेरा आंसर है। समझ गए ना? सेवन का आंसर हो गया फाइव, इसका भी फाइव, इसका इंक्रीजिंग था फर्स्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो, एज मेंशन इन द पैसेज, सीबीजी कंपनीज मे हैव टू रीअसेस देयर प्रेजेंट स्ट्रेटजी ऑफ ऑपरेटिंग। इसको बज लेने तो पहले, है ना। करे जैसा मेंशन किया गया है, सीबीजी कंपनियां उनको असेस करना पड़ेगा फिर से अपने प्रेजेंट स्ट्रेटजी को, जो है ऑपरेट करने की, किस काम को करने के लिए, किस लिए भाई, मेक मोर कॉस्ट इफेक्टिव डिसीजन, अपना डिसीजन मोर कॉस्ट इफेक्टिव बनाए, रिटेन करे अपने कस्टमर को, या कीप पेस विद करे बदलते हुए कंज्यूमर प्रेफरेंस से, क्योंकि उनके पास एक्सेस है मल्टीपल मीडिया चैनल्स का। आपने ये वाला देखा था, बिल्कुल सच है, हम अलग अलग मीडिया चैनल्स को यूज कर रहे हैं, और उसने लिखा भी था वहां पे, इसी वजह से हमें भी कंपनियों को अपनी स्ट्रेटजी को रीअसेस करना पड़ेगा। मैं तीनों दिखा देता हूं कहां कहां पड़े हैं, है ना। देखो लास्ट में आया हुआ, देखो, दीज शिफ्ट चैलेंज द सीबीजी कंपनीज मैनेज देयर ब्रांड एज बिजनेस पोर्टफोलियोज एंड कॉल फॉर अ रीथिंकिंग या रीअसेसमेंट ऑफ देयर गो टू मार्केट अप्रोच विद एन एम्फेसिस ऑन एनालिटिक्स। यही भी यही बात बताई हुई है, इसलिए मैं इसने बताया भी था यहाँ पे कि देखो टीवी में, प्रिंट में अलग तरीके से हम यूज कर रहे हैं, इसी वजह से इनको रीअसेस करना है। समझ गए ना? तो पहला वाला तो, ये वाला तो सही है, ये बीच वाला तो बिल्कुल सही है। कौन सा वाला? ये वाला, बी वाला, जहां पे बी आ रहा है वो आपका आंसर होगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, या तो ये या ये या ये। अब चेक कर लेते हैं सी, मेक मोर कॉस्ट इफेक्टिव डिसीजन, ये भी इसने बताया था। लास्ट में आपको कॉस्ट इफेक्टिव डिसीजन ही बनाना है, लास्ट पैराग्राफ आपको यही कहता है, बल्कि लास्ट लाइन भी यही कहती है। देखो हाँ, इट मस्ट बी मैनेजिंग इन इट्स ऑन इकोनॉमीज टू कॉस्ट इफेक्टिवली डिलीवर बोथ वैरायटी एंड वैल्यू। कॉस्ट इफेक्टिव की बात हो रही है, कॉस्ट इफेक्ट होता है मतलब अपने खर्चे कम करके बड़े से अच्छा प्रोडक्ट जो है कस्टमर तक पहुंचाना। ये भी सही है, ये भी सही है, सी भी सही है ना, बी भी सही है और सी भी सही है। अब बचा आपके पास रिटेन देयर कस्टमर, ये मैंने कहीं भी नहीं पढ़ा पूरे ट्यूटोरियल में, पूरे के पूरे आर्टिकल में रिटेन करने की बात कहीं भी नहीं है। मेरे हिसाब से इसका आंसर बनता है बी एंड सी। अगर आप इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हो तो बी और सी इसका आंसर बनेंगे, रिटेन करने की बात कहीं नहीं हो रही है। किसी को लगे रिटेन करने की बात हो रही है तो मुझे बताना अलग से, है ना, मुझे कहीं भी ये ऐसा लगा नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा इस पैसेज में आप कौन सा क्वेश्चन छोड़ सकते थे बिना पढ़े भी, है ना। करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, कौन सी बात सच है इस पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में, हमें सच बात पकड़नी है, गलत बातों को छोड़ देना है ना। द सीपीजी हैव ऑलवेज बीन अ फेवरेट अमंग कंज्यूमर्स, गलत बात, सीपीजी हमेशा एक फेवरेट नहीं रहा है कंज्यूमर्स का। कहां लिखा था ऐसी बात कि हमेशा लोग जो है सीपीजी से ही माल खरीदते हैं,
पैकेज गुड्स हमारे फेवरेट कभी भी नहीं रहे। ये देखो इन यूएसए ड्यूरिंग द 3 ईयर पीरियड आफ्टर 2009 स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग डिड नॉट फेयर वेल एज कम्पेयर टू लार्जर काउंटर पार्ट्स। ये भी गलत है, जहां पे 2009 आया वहीं पे मैंने आपको बताया। देखो 2009 से 12 के बीच में स्मॉल वाले जो है ना वो बल्कि ट्वाइस रेट से इंक्रीज हुआ, उनका ग्रो किया बिजनेस, बहुत तेजी से ग्रो किए हैं। और यहाँ पे लिख रहे हैं वो तेजी के बजाय धीमे ग्रो किए हैं, है ना। और स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग डिड नॉट फेयर वेल, तो उल्टी बात हो गई भाई, इन्होंने तो फेयर बहुत अच्छा किया था। फेयर वेल करना मतलब परफॉर्मेंस देना, तो डिड नॉट परफॉर्म वेल तो गलत हो जाएगा, इन्होंने तो बल्कि दूरी रफ्तार से ग्रो किए, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब देख लो सेकेंड और थर्ड में से कौन सा। पोस्ट टैक्स वेजेस स्पेशली फॉर मिडिल क्लास आर वन ऑफ द क्रिटिकल फैक्टर्स विच हैव रिड्यूस स्पेंडिंग बिहेवियर ऑफ कस्टमर्स। कह रहे जो पोस्ट टैक्स हमारी वेजेस जो है ना, खास करके मिडिल क्लास के लिए वो क्रिटिकल फैक्टर है जिन्होंने रिड्यूस कर दिया स्पेंडिंग बिहेवियर को कस्टमर के। बिल्कुल सही है। ये सेंटेंस आप कहां देखोगे, पोस्ट टैक्स वाला देखना। ये देखो आफ्टर टैक्स वेजेस स्पेशली फॉर मिडिल क्लास यंगर पीपल एंड फैमिलीज इज डिप्रेसिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग। तो ये डिप्रेस कर रही है, एक्चुअल में कम कर रही है ना। सही बात है, क्रिटिकल फैक्टर है, क्रिटिकल फैक्टर है, तो ये मेरा आंसर है। अब सेकंड देख लो, ये गलत होना चाहिए। इंपैक्ट ऑन डिस्पेंसेबल इनकम ऑफ पीपल बेयरली अफेक्ट्स द सीपीजी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इनफैक्ट ये तो गलत वैसे ही हो गया, क्योंकि हमारा पहला चैलेंज यही था कि डिस्पोजेबल इनकम कम हो रही है और उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आ रहा है ना, उसका बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है। अब पहले अगर लाइन देखोगे आर्टिकल का, तो देखो यहां पे बता भी रहा है, द फर्स्ट इज कंटिन्यूड स्लो और नेगेटिव ग्रोथ इन डिस्पोजेबल इनकम। तो यहाँ पे तो बहुत बड़ा इंपैक्ट है, फर्स्ट चैलेंज ही यही है। यहाँ पे कह रहा है ये हार्डली कोई इंपैक्ट रखता है, हार्डली कोई इंपैक्ट नहीं रखता भाई, एक सेकंड कहाँ गया, है ना, हार्डली कोई इंपैक्ट नहीं रखता है। ये बात इंपैक्ट जो है बेयरली गलत हो गया। सवाल ये ना, फर्स्ट भी गलत है, ये कंपनियां तेजी से ग्रो की, सेकंड भी गलत है क्योंकि इंपैक्ट तो बहुत बड़ा था, थर्ड सही है, चौथा बिल्कुल गलत है। सीपीजी हमारी फेवरेट कभी नहीं रही है, हम तो अलग अलग वैरायटी की जगह से चीजों को बाय करते हैं। अब बचा आपके पास बारहवां, ध्यान से देखो, कह रहा है एज मेंशन्ड इन द पैसेज विच ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर्स दैट एड्स इन क्रिएटिंग द नीड्स ऑफ कंज्यूमर्स। लास्ट सेंटेंस के अंदर इसका आंसर है, कौन सा फैक्टर ऐसा है जो हेल्प करता है क्रिएट करने में कंज्यूमर की नीड को। सारे फैक्टर पढ़ लो, आपको कहीं तो वाहियात लगेंगे। Persuading या them कर लेना, Persuading them to purchase goods produced by the organization। Consumer को आप मनाओ, उसको आप मान मनवार करो, उसको जाकर के हाथ पांव जोड़ो कि हमारा purchase कर लो good, हमारा purchase कर लो product। गलत बात है, ऐसे कभी भी आपका माल जो है नहीं बिकेगा। Assess their requirements and appropriately plan to meet them। बिल्कुल ठीक है, last line यही कह रही है, अभी दिखाऊंगा। थर्ड देखो, ऑफरिंग देम प्रोडक्ट्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन रेगुलरली मैन्युफैक्चर। उनको वो प्रोडक्ट ऑफर करें जो आपकी कंपनी हर रोज मैन्युफैक्चर करती है। अरे आप तो कुछ भी बना दोगे, प्रोडक्ट जो है आप बनाओगे वो जो उसको चाहिए, ना कि आप उसको ऑफर करने लगोगे जो आप ज्यादा बनाते हो, गलत बात है। लास्ट देखो, कंसंट्रेटिंग ओनली ऑन बीइंग अवेयर अबाउट चेंजिंग प्रेजेंस ऑफ कंज्यूमर्स। जब जब आपको ओनली या हार्डली या इस तरह के वर्ड्स मिले ना, ओनली इसका मतलब होता है आप रिसीट कर रहे हो अपने आंसर को कहीं पे। ओनली का मतलब है आप अपने आंसर को इस पूरे के पूरे को सिर्फ इसी चीज पे रिसीट करना चाहते हो। ऐसे जनरली अक्सर जो है ना ट्रू नहीं होते, है ना, जब तक ये ओनली नाम का वर्ड आपको पैसेज में ना मिले इस जगह पे, ये जहां पे बात हो रही है। ये बात बिल्कुल ठीक है, कंसंट्रेट करना चाहिए अवेयर होने पे चेंज होती हुई कंज्यूमर प्रेजेंस ऑफ कंज्यूमर्स पे, है ना, लेकिन सिर्फ इस चीज पे कंसंट्रेट करना कहीं नहीं लिखा। उन्होंने बोला आपको इनसाइट लेना है, एनालिटिक्स को यूज करना है, डेटा को अच्छे से अच्छे यूज करके कम प्रोडक्ट कम कॉस्ट में अच्छा प्रोडक्ट और अच्छी वैरायटी डिलीवर करनी है। तो ये ओनली वाले की वजह से ये डी जो है ना गलत बात है, नन ऑफ द अबव भी निकाल दो। अब देखो बचा क्या, असेस देयर रिक्वायरमेंट्स एंड एप्रोप्रिएटली प्लान टू मीट देम। ये आपको मिलेगा लास्ट पैराग्राफ में, इसलिए बोलता हूँ लास्ट वाला याद से पढ़ा करो, दो बार पढ़ लिया करो। अब देखो यहीं पे कहीं है, बट इट्स नॉट, देखो द मोर नॉलेजेबल अबाउट कंज्यूमर नीड्स और रिक्वायरमेंट्स एंड प्रेफरेंसेस अ कंपनी इज, द स्मार्टर एंड मोर फोकस इज मस्ट बी इन मैनेजिंग इट्स ऑन इकोनॉमीज। समझ गए ना, तो अपनी इकोनॉमी आप तभी मैनेज कर पाओगे कॉस्ट एफिशिएंटली डिलीवर करने के लिए अगर आपको नीड पता है और उसकी प्रेफरेंस पता है, किसकी, अ कंपनी की, है ना, कस्टमर की नीड पता है और अपनी प्रेफरेंस के बारे में आप जानते हो। तो बस यहाँ पे यही कहा जा रहा है,
इस वाले क्वेश्चन में कि आपको रिक्वायरमेंट को अप्रोप्रिएटली प्लान करना है, मीट करना है, कैसे रिक्वायरमेंट को मीट करोगे। एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं पूरा, फिर मैं आपको बताऊंगा इनमें से कुछ क्वेश्चन को आप छोड़ सकते थे अगर आपके पास टाइम कम होता। वैलिडेटेड हो गया आपका, श्रिंकिंग हो गया, ये भी हम कर चुके हैं। श्रिंकिंग का नैरोइंग सिनोनिम है, वैरीगेटेड का डाइवर्स सिनोनिम है, और शटर्ड का बिल्कुल उल्टा है, फ्लबिस्ट है ना, सारे क्वेश्चन हो गए। अब ध्यान देना, अगर मैं आपकी जगह पे हूं और एक एवरेज स्टूडेंट हूं, एवरेज का मतलब है मैं 30 में से 18 से ज्यादा मार्क्स स्कोर ही नहीं कर रहा, सोच के भी नहीं आया मैं घर से, है ना, मुझे पता है मेरा स्कोर 12 से 18 के बीच में रहता है, हमेशा से मेरा स्कोर यही रहता है, है ना, एवरेज तो मैं ज्यादा बोल रहा हूँ ये, आप टॉपर देखोगे ना वो 25 का सोच के आता है, टॉपर जो होता है 25 का सोच के आता है, टॉपर अगर आप नहीं हो एवरेज की कैटेगरी में, चलो 15 मार्क्स दे देता हूँ, तो यूं सोचा सर 18 तो बहुत ज्यादा है ना। अगर आप एवरेज मार्क्स स्कोर करना चाहते हो ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इस क्वेश्चन को करें, इस क्वेश्चन को करें, इस क्वेश्चन को करें, इसको छोड़ सकते हैं, पढ़ते ही अगर आपको पकड़ में आए तो ठीक है, पूरा मैसेज पढ़ने के बाद ये तो छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें, इसको करना ही है, नो डाउट अबाउट इट। अच्छा, इसको भी आप छोड़ सकते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसके अंदर आपको ये तो सेंट्रल थीम तो आ ही जाएगी, पढ़ते ही नहीं समझ में आ रही तो बात ही नहीं, अगर पढ़ लिया है तो उसको जरूर करें, और इसको भी करना। इसके अंदर आप जो है अगर आप पढ़ोगे ना, देखते आपको पकड़ में आ जाएगा, अगर आपने पूरा ढंग से पढ़ा है तो, भाई यहाँ पे लंबे पीरियड के लिए ऐसे ही ऐसे, अगर आपने ढंग से पढ़ा तो आपको यही पता लग जाएगा, वैरायटी ऑफ स्टोर्स की बात हो रही है, तो ढंग से पढ़ने वाले तो उसको वैसे भी कर देंगे, आप एक बार कोशिश जरूर करें। अगर मैं आपकी जगह पे हूं और टाइम कम है मेरे पास, एवरेज स्टूडेंट हूं, तो मैं इसमें से 10 में से 6 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूंगा, मैं 2-3 क्वेश्चन को छोड़ करके आऊंगा जिनको मैं शायद पढ़ू भी ना, इस क्वेश्चन को मैं छोड़ सकता हूं, खास करके इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। इस अप्रोच को एग्जाम में रखें दिमाग के अंदर, लंबे क्वेश्चन को छोड़ दें, लास्ट में टाइम बचे तो बिंदास इनको अटेम्प्ट करो। चलिए, अपना आधा पेपर हो गया है ना, इस लिंक से अब इस पेपर को डाउनलोड कर लें, बाकी बचा हुआ कल 1 घंटे में आपको पेपर करवाऊंगा, 2 से 2.5 घंटे लगते हैं एक पेपर को करने में, है ना, तो सवा घंटा की 2 वीडियोज़ के अंदर अपना पेपर क्लियर हो जाएगा। जरूर से इस टॉपिक्स, इस वाले लिंक से आप जो है ना डाउनलोड करके बाकी का पेपर फिर से खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। मुलाकात लूँगा कल, तब तक के लिए साइनिंग आउट।